वेट जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर। जी नाम जय गुरु जी। लिखिए आज की डेट ऑफ बर्थ। लिखिए क्या आई? ड्राइवर वन कंडक्टर फाइव। ड्राइवर वन कंडक्टर फाइव और मिसिंग नंबर 4789 सर। 4789। और नेम के स्पेलिंग? नेम की स्पेलिंग 5B 6B का तो 5 पे ज्यादा कंफर्टेबल होगा। ऑलरेडी फाइव तो कंडक्टर आ गया। हाँ सिक्स ड्राइवर भी वन है। है, ड्राइवर है, कंडक्टर फाइव है, जून के महीने से सिक्स भी आ रहा है। हाँ जी कहाँ लेके जाओगे नेम के स्पेलिंग? वन पे। अगर आप मोदी जी को ओके जानते हो तो क्यों केजरीवाल के पास जा रहे हो? ओके जी, जब ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में से कोई एट नहीं है और ग्रिड में हम देख रहे हैं कि 1 5 6 तीनों आ रहा है, तो नेम के स्पेलिंग को हम हाँ वन पे लेके जाएंगे। ओके थैंक यू सर। जी। जो भी क्वेरीज है आपकी वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर लास्ट के 1 घंटे में मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे इन्होंने मुझसे सीखा और लाइफ में इसको इंप्लीमेंट किया। आपके पास पूरा 1 घंटा है जो भी आपकी क्वेरी है सुनने के लिए, समझने के लिए। कोर्स हमारा खत्म हो चुका है, अब सब आपकी अपनी मेहनत है कितना आप इस विद्या के साथ फायदा उठा सकते हो, कितना आप इसके साथ जुड़ सकते हो। मैं जी बताइए। सोच रही मैं क्रोनोलॉजी भी कर लूँ पहले क्योंकि कोई जरूरत वो नहीं, भी। अच्छा कोई जरूरत नहीं है। पहले इसको प्रैक्टिस करो कम से कम एटलीस्ट 2 3 महीने, क्योंकि अभी आप टेक्नोलॉजी करोगे तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी सर। मैंने हाँ पहले इसको सॉरी पहले से उतार लो, समझ लो, फिर उसके बाद उसको सीखना। सीखना जरूर, क्योंकि वो एडवांस लेवल का कोर्स है, बट पहले इसको पूरा का पूरा सीख लो, समझ लो। अभी भी आपको छोटा सा क्वेश्चन मैंने किया कि नेम के स्पेलिंग कहाँ लेके जाओगे, तो वहीं पे कंफ्यूजन हो गया, तो वो तो हाँ आपको मिस तो और भी है। कंफ्यूज हाँ कर देगा।
मैं तो, लेकिन मैं पहले सोच ही रही थी वन ज्यादा बेहतर होगा ना, अगर 5G 6G वन आपने जैसे कहा था, बट मैं थोड़ा डर रही थी बोलने पूरा एक महीना जो है दोबारा से मेरा कोर्स के वीडियोस देखो, हाँ और जी बाद फिर उसको अगर करना हो तो जरूर करो, क्योंकि वो एडवांस हाँ लेवल जी कोर्स है, जरूर आपको फायदा देगी। हाँ, क्योंकि मैं वही सोच रही थी, क्योंकि उसमें भी वो नेक्स्ट नेम स्पेलिंग अगर वो प्रोनाउंसिएशन पे पड़ी, तो अभी से अगर मैं किसी के चेंज कर दूँ मैं, तो फिर अगर दोबारा ये करना हो करने के, फिर कोई कोई नहीं, पहले मेरे कोर्स को रिपीट करो, अभी जो भी क्लाइंट हाँ आ रहा है, कोई अगर अपना रिलेटिव हाँ है तो उन्हें को सब्र करो, अभी मेरा कोर्स खत्म नहीं हुआ, उनको ऐसे कह दो ओके हाँ, इसलिए फिर मैंने सोचा क्रोनोलॉजी भी कर लिया करो, बिल्कुल करो, पूरा फिर। 1 महीना प्रैक्टिस करो, जून का महीना प्रैक्टिस करो, फिर जुलाई में प्रोनोलॉजी भी सीख लेना। ओके थैंक यू सो मच। ओके जी जी उदय भाई, जी हेलो सर, डियर, राधे जी डियर, राधे सर। सर राधे राधे डियर। एक अगर लड़के का ड्राइवर 4 है और कनेक्टर 5 है, ठीक है और लड़की का ड्राइवर 9 है कनेक्टर 1 है, डियर, सो ये बेस्ट रहेगा सर, 50% कंपैटिबिलिटी बन रही है DC to DC6। कंपेटिबिलिटी? कितने बनी है तो नहीं सर, मैंने कंपेटिबिलिटी का शायद मैंने क्या नहीं होगा वो फिर क्वेश्चन पूछने का फायदा क्या? इसलिए मेरे को डाउट है, वो मैंने क्रैश नहीं किया, वो मैंने वीडियो में कुछ चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये पहले चेक करो, फिर तभी तो समझ में आएगा। गलती करने का फायदा क्या? ड्राइवर से ड्राइवर को देखना है, कंडक्टर से कंडक्टर को देखना है, कुआं से कुआं को देखना है, उसके बाद गिफ्टिंग देखनी है, फिर आपका क्वेश्चन वैलिड होगा। ओके, मतलब उसमें और एक आएगा गिफ्टिंग ऐसे कुछ हाँ मतलब, बिल्कुल, तभी तो कह रहा हूँ, वीडियो को देखो तभी समझ में आएगा। हाँ क्योंकि मैंने बस ऐसे ऊपर से देखा कि ड्राइवर 4 है नहीं, और इसका ड्राइवर 9 ऐसा है, पूरा देखना जीरो पड़ेगा। जीरो पूरा देखना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है तो मैं देखिए फिर पूरा। हाँ तभी कह रहा हूं कि उसको सीखो, पहले समझो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। जरूर सर, ओके थैंक यू। राधे जी जय श्री मैम, राधे राधे, जय गुरु जी सर। राधे मैम, जय गुरु जी। बताओ सर मैं कुछ क्लाइंटों का मैं कर रही थी, तो एक मेरे पास क्वेरी आया है, वो काफी हस्बैंड एंड वाइफ की वो चल रही है चिटपिट। ड्राइवर 6 है और उनका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 4 है और 3 है, ठीक है, तो ड्राइवर 6 और कंडक्टर 3 है, मतलब वाइफ का 6 है और हस्बैंड का 3 है कंपैटिबिलिटी आ कंडक्टर। रही है मैडम, कितनी कंपैटिबिलिटी आ रही है? कंपैटिबिलिटी 55%। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों को रेमेडीज दे दो, दोनों के नेम के स्पेलिंग को चेंज करो, दोनों को रेमेडीज दे दो मैम। दोनों ने 41 में, मैं बताना चाहूंगी सर, ये कोई 1.5 लाख का न्यूमरोलॉजिस्ट से सारविन सूद नहीं है, किसी और से इन्होंने कोर्स करा है, ठीक है उसके बाद भी ये खुद का कुछ कर नहीं पा रहे थे। पहले जी मैम, इन्होंने अपनी चार्ट भेजी, मेरे को बताया ये डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरा नेम है और आप थोड़ा बता दो, क्योंकि खुद का हम कर नहीं मैं पा तो कह रहे। रहा हूं मैडम कि मेरे से सस्ता बंदा मार्केट में नहीं है। हाँ तो मैंने उनको बोला कि ठीक है ये सब, ये उन्होंने पहले से ही हस्बैंड का 5 पे ले गए और खुद का 6 पे ले गए, जबकि इनके पास 5 नंबर है ही नहीं, बिल्कुल, इनके नेम स्पेलिंग 5 में होना चाहिए और स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है। तो मैंने इनको बोला आप या तो 41 ले आओ या तो 32 ले आओ, तभी हो पाएगा, या 50 ले जाओ। आप करके दो ना, वो क्यों ले आए हाँ आप? मैंने कर, नहीं हाँ वो कह रहे मैं खुद कर लूंगी, क्योंकि वो मैं 1.5 लाख का, उसके बाद उन्होंने उसे बताया कहो कि भाई मेरी फीस तो मुझे दे दे, मेरी फीस मुझे दे, बाकी 2 लाख खर्च कर, तू 15 लाख खर्च कर, बना क्या। फीस ही तो ना दे रहे, कह रहे हमने, फिर पूछ रहे थे 1.5 लाख का हमने कोर्स किया ये वो, मैंने कहा, फिर पूछ रहे थे संदीप सर कैसे सिखाते हैं, मैंने कहा हमें तो सारा तरो नॉलेज आ गया है, आप दोबारा कर लो यहीं से। और क्या, 12,345 में कर लो, और 19,000 के गिफ्ट भी ले जाओ साथ में। मैंने यही बोला था बात सर। मैं और एक जी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जी उदय भाई, जब मैं बोलता हूँ कि लोगों को मैं कोर्स कर रहा हूँ और उसका फीस है मतलब 1, 2, 3, 3, 4, 5 है, तो लोग बोलते अरे इतने सस्ते में कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं वो सब कुछ सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे। एक्चुअली जो लोग सिखाते हैं वो 50,000 से ज्यादा लेते हैं, है कि नहीं? 50,000 से 1 लाख ज्यादा लेते, तो मुझे तब पता चला कि एक्चुअली इसकी कोर्स की वैल्यू इतनी है, इतनी है, उससे पहले मुझे कोई आइडिया था ही नहीं। मैं पागल आदमी हूं, मेरा जो एम है वो मेरा ये है कि मैं 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट बना डालू,
इस धरती छोड़ने से पहले, बाकी तुम्हें पता नहीं अगले मिनट में क्या होना क्या नहीं होना, पर मेरी ये एम है कि मैं 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट बना जाऊं। तो मैंने क्या किया आपसे, मम्मी बोलने लगा कि भाई मेरा कोर्स फीस 1 लाख है। एक तब वो बोलो कि मेरे को सोच कर भाई 1 लाख का फीस है, बहुत कुछ आता होगा इसको, तो बिल्कुल शायद ऐसे। तो क्या करें अब, ऐसे अब लोग डाउन कर रहे हैं अपने को, तो हम भी अपने आप को ऊपर कर लेंगे अब बिल्कुल। अरे ऐसे ही। मुझे मैसेज आते हैं कि हाँ आपकी जो फीस है ये कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझे फोन आते हैं कि सर आपकी हाँ फीस तो बहुत ज्यादा है। ये नहीं समझते ये आदमी देना क्या चाहता है, ये आदमी बेसिक एडवांस प्रोफेशनल तीनों दे रहा है। सही है सर, सही है मैं तो कहता सर। हूँ जी मैडम, मैंने जो उनको 5 में वाइफ का कराया है तो वो सही है ना प्रेडिक्शन? ठीक परफेक्ट है मैम, बिल्कुल परफेक्ट है। है सर। मैं तो फिर यही सर कह रहा उनको मैंने वो भी बताया, जो भी कौ वाला एंट वाला हूँ। ये सारा भी उनको दिया मैंने, तो वो हाँ ये कह रहे थे कि थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया, हमारे पास ये सब नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखाया था, कुछ रेमेडीज दिए थे। मैंने जी मैम, पायरा यंत्र भी उनको बोला है, मैं अब तो कह पता रहा नहीं। हूँ दुनिया कुछ नहीं दे के राजी। हाँ पैसे नहीं दिया। 1.5 लाख देने के बाद क्या मिला? सिर्फ एक अंगूठा और एक सर्टिफिकेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ नहीं सर पता नहीं, कोई ग्रुप है, ये है वो है, कम्युनिटी है, वो सब वही होता है ना, दिखावा कुछ है, वो तो कुछ है वो टाइप से। एनीवे शी वाज वेरी हैप्पी। हम सबको पैसा चाहिए, कुछ दिखावत खुआ नहीं है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रांग है, हाँ मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं है, मैं इस बात नहीं को सर मानता हूं। आपकी भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। आप दूसरे तरीके से लोगों को कल्याण करना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं वो भी तो दे जाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि अगर मेरी मार्केटिंग स्ट्रांग हो ना, राहुल भाई उसके ऊपर पूरा वर्किंग करते हैं, पर राहुल भाई को और भी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। मेरी मार्केटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना पैसा वो खर्च करते हैं। अगर हाँ हो जी मेरे बैच में कम से कम 50 बच्चे एक बैच पे होने चाहिए, तब जाके वो बैलेंस हो पाएगा। जी सर। जी विकास भाई बताओ, जय गुरु जी, राधे राधे। 1 घंटा अभी आपके पास है क्वेश्चन आंसर लेने के लिए। उसके एक कुछ पुराने स्टूडेंट्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि उन्होंने लाइफ में कितना सक्सेस रेशियो हासिल किया, कैसे वो इस न्यूमरोलॉजी से जुड़े, तो उनका एक्सपीरियंस को सुनना आज। जी गुरु जी, जी पूछना है ना विकास, कि 66 या 77 किसी का ग्रेड में है, तो आप बताए हैं कि उसका लव मैरिज या ये वगैरह हो सकता है, तो कोई गार्जियन हो मान लिया छोटा बच्चा हो 10 साल 12 साल का, तो उसका कोई उपाय है कि उस चक्कर में वो ना पड़े? नहीं उसके नेम की इस वैल्यू 5 पे कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ये कोई गारंटी तो थोड़ी है कि शादी से पहले अफेयर नहीं हुआ, शादी के बाद अफेयर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? कोई उसी का कोई रेमेडी है वैसा? रेमेडी नहीं है, नहीं कोई शोर शॉट भी नहीं है डियर, ये तो एक वक्त की हाँ बात होती है। जैसे मेरे पास 77 है, मेरे पास 66 नहीं है, मेरी वाइफ के पास 6 और 7 दोनों है, तो वहां पे हमारा अफेयर हो गया। नहीं नहीं लव डबल सिक्स, को हमने एक का ग्रिड में 66 देखा तो उसको बोल दिया, 21-7 में आया तो उसको लिख दिया, तो बोला कि उपाय बता के लिए, अब तो हमको उपाय नहीं मालूम है। पाई दो, पायरा फायर दो, उसका बिल बनाओ 51,000 रुपए का। ये तो बहुत सिंपल काम है। ऐसे तो आदमी आते हैं तो समझो तुम्हारी लॉटरी लग रही है। आप उसको पायरा फायर दो, आप उसको विश पिरामिड दो, आप उसको गले का यंत्र दो, आप उसको ब्रासलेट दो, उसको पायरा कार्ड दो, आपके पास देने के लिए इतना कुछ है यार, और आप बूस्टर दो। ओके गुरु जी, डियर ये तो बहुत अच्छा, आपको भगवान ने आशीर्वाद दिया अगर ऐसा क्लाइंट आपके पास आया तो। भाई पैसा निकालेगा तो ना, पैसा निकालने वाला नहीं है ये तो उसका फोन नंबर कविता मैडम को दे दो, आपकी जो कमीशन बनती है वो काट के आपको पहुंच जाएगी। जहां पे तुम्हें ऐसा बिल्कुल। लगे ना कि तुम नहीं कर सकते हो, वहां पे मुझे फोन करके मैसेज कर दो, कविता मैडम का नंबर दो, आपकी जो कमीशन उस पर बनेगी आपको पहुंच जाएगी। ओके गुरु जी, राधे डन डियर, डन। जी मनीषा मैम, राधे गुरु जी। राधे राधे मैम। मैं गुरु जी अभी एक चीज बताइए, इस जैसे मैं मतलब इसके अलावा भी कोई कोर्स करूं कि ये मेरे लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है? ये तो आपकी चॉइस है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप टैरो कार्ड करो, आप वास्तु करो, आप प्रोनोलॉजी करो, आप दीपा मैडम का कोर्स करो, मैं क्यों मना करूंगा? नहीं गुरु जी एक चीज बताएं, मतलब पर्सनली जैसे इससे अगर मुझे किसी को भी रेमेडी वगैरह कुछ भी देना हो
ये तो सफिशियंट है ना। सफिशियंट है। आप टैरो कार्ड को सीखो, क्योंकि बीइंग अ लेडी जब आप टैरो कार्ड को साथ में यूज करोगे तो वो आपको और अच्छा सपोर्ट देगा। जब कभी मीनाक्षी मैडम का कोर्स आएगा, वो ब्रासलेट को सिखाती हैं कि किसको कौन सा ब्रासलेट देना है उसकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद, तो वो जरूर कर लेना, वो आपको और आगे ले जाएगा। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक चीज और पूछना था। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई, जब से मतलब मेरा बेबी हुआ है, अभी 10 फरवरी को ही हुआ है, तब से मेरे अंदर निगेटिविटी बहुत ज्यादा लेके, मतलब हर चीज को लेके बहुत ज्यादा निगेटिविटी आई हुई आपका है। पर्सनल ईयर क्या चल रहा है? हाँ मेरा गुरुजी 1 चल रहा है। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है मैम, 6 मार्च के बाद सब सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दफा राम स्तुति करो, 3 दफा हनुमान चालीसा करो, ठीक है गुरुजी। कोई नेगेटिविटी नहीं है। नहीं तो अपने घर में पायरा फायर करो, आपके घर में हो सकता है नेगेटिविटी हो, उसके लिए पायरा फायर मंगाओ कविता मैडम से, वो रोज करो, देखो कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। थैंक ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। यू। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे जी। जी विपुल भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन है। वेरी अभी मेरा पर्सनल ईयर 8 चल रहा है और गुड, मैंने अपने नाम की स्पेलिंग 1 पे लेके गया हूँ, तो सर ठीक उसका है। कोई रोटी नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे गिरेगा नहीं ना सर? कितने खाते हो? सर रोटी तो 3 साल कुछ गिनता नहीं सर। 3 साल से रोटी सर कुछ गिनता नहीं हूँ मैं, ऐसे ही जितना है उतने खा लेते हो। अरे भाई, हो सके तुम 4 रोटियां खा रहे हो, तुम्हारे को वो भी तकलीफ दे रही हो। अपनी चप्पल का नंबर चेक किया? उसका तुम्हारी चप्पल का नंबर क्या है? 8 8 है, वो तो बहुत खतरनाक, फिर हाँ पैर को छोटा करवाना पड़ेगा। नहीं कर सकता हूँ सर। जब यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि वहम का इलाज नहीं है, तुम बेबात पे अपने आप को वहमों में डाले जा रहे हो। मैंने पर्सनल ईयर 8 आ गया, मैंने नेम के स्पेलिंग 1 कर लिए, अब मुझे क्या होगा? अरे भाई, तुम्हें रेमेडी दे दी, तुम्हें इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दे दिए, तुम वहम से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हो। ओके सर। जी डियर। जी वैशाली मैम। हाँ सर। जी हाँ सर, मुझे वो मास्टर नंबर्स के बारे में पूछना था, जो 11, 20 जो 63। 1, 1, 2, 2, 3। हाँ, हाँ हाँ तो जो कैलेंडर डेट में आते हैं फिर वो 1, 1, 2 ही होते हैं मैम, और कोई मास्टर नंबर नहीं होता। मकान के नंबर में 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। हाँ जी, तो जी उसके बारे में बताइए ना, मास्टर नंबर्स के सब बारे में बता कैसे रखा है मैनिफेस्ट मैडम, करते हैं। रिपीट नंबर का, जब एक मिनट। रिपीट नंबर का हाँ हाँ चैप्टर जी था वो सब बता रखा है मैडम, उस चैप्टर को दोबारा अच्छा अच्छा पढ़िएगा। अच्छा उसकी कहा था मैं आपको मैंने, नोट कहा करूंगी। था कि अगर आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहिए तो 1, 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 को लिखो। आप अगर लिख रहे हो तो मास्टर नंबर का आशीर्वाद आ रहा है। हाँ 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 जी। जी ओके जी ओके सर। सर और एक बात पूछनी थी, जी अगर किसी का वो कार नंबर समझो तो फाइव पे नहीं लेके जा सके, या घर फाइव पे है नहीं लेके कार का जा सके पिरामिड है ना, तो। कार का पिरामिड देंगे हाँ उसको, 29 का तो है, कार 2,970 रुपए का है, वो उसको देंगे। हाँ, अच्छा कार पिरामिड हम लोग दे सकते हैं ना, तो कम से कम अगर नंबर। महीने में आप चाहो तो कम से कम 500 कार पिरामिड दे सकते हो लोगों को, ये आपकी मर्जी है। अच्छा हर बंदा जो है वो हाँ नई गाड़ी का नंबर पैसे से परचेज नहीं करता। राइट राइट। जी और फिर सर वो नंबर एंटी एंटी हो तो, या मीन्स ऐसे भी फाइव नंबर नहीं हो, अब तो ठीक जो है हो गया तो। मैडम हो गया, अब तो जो हो रहा था हो हाँ गया, अब तो उसको आपने सोल्यूशन देना है। मान लो हाँ किसी को राइट सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, तो अब थोड़ी उसको लेके राइट घूमता रहेगा, मुझे कैंसर हो गया राइट मुझे कैंसर हो गया, अब तो उसको दवाई खानी है, कीमोथेरेपी करनी है, वो करवाएंगे। ऐसे हम उसकी गाड़ी का उपचार कर रहे हैं। उसको आप 2970 का कार पिरामिड आता है, मैं उसकी फोटोग्राफ डाल दूंगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, जितने भी देखे मेरे सर मैं। क्लाइंट हैं, मैं तो ठीक अब है हर महीने मेरे कम से कम 100 पिरामिड निकलते हैं कार वाले, क्योंकि लोग नई नई गाड़ियां लेते हैं, मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, तो उनको उसमें मालूम चल जाता है कि भैया गलत नंबर आ गया है, तो इसको हम कम से कम एनर्जी दें, पॉजिटिव एनर्जी दें। जी ठीक है। थैंक यू सर। राधे ओके जी जी अभिजीत भाई। राधे राधे गुरुजी। राधे डियर। गुरुजी मेरा एक क्वेरी है, जो डाउट है। जैसा मेरा ड्राइवर है 608, ठीक मेरा है मिसेस का ड्राइवर कंडक्टर है 209, जो ठीक है डियर। कंपैरेटिव व्यू हम चेक किया था, स्टेज 1 में हम लोग का 0 आ रहा है, कुछ नहीं मिला है स्टेज 1 में, 0 फर्स्ट पार्ट में 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है फर्स्ट हाँ पार्ट में। सेकेंड पार्ट में उनका 2 है लोसुग्रिड में, मेरा 2 नहीं है, वो एक
उनका 5 नहीं है, मेरा 5 है, वो चेंज करके मेरा सर 15% मिला, परसेंट हो गया। 15% है। तो 15% जैसे हम लोग का, लेकिन अभी भी शादी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो हम हाँ सोच रहे हैं जैसे आप बोल रहे थे जो 40% के नीचे होने, जैसे आपका भी 20% है जो रेमेडी कुछ किया है आप लोग, तो हम तो सर मेन बात है जो न्यूमरोलॉजी में अभी आपका कोर्स में आया है, उसके पहले तो न्यूमरोलॉजी का इतना आइडिया नहीं था, आपका सर यूट्यूब में देख रहा था। तो क्या बिजनेस में हम लोग का शादी टिक गया हमको समझ में नहीं आया। मेरा मिसेस नो डाउट पूजा बहुत करती है, टेंशन क्यों पालनी है? एक चीज अगर अच्छी चल रही है तो जरूरी थोड़ी है कि उसके ऊपर टेंशन पालोगे। आपको वो आपको अगर भगवान ने ब्लेस करके भेजा है तो क्यों उसकी टेंशन पाल रहे हो? और नहीं, केसेस में ये भी देखा गया कि किसी एक स्पाउस की डेथ भी हो गई, जहां पे झगड़ा नहीं था वहां स्पाउस की डेथ हो गई। नहीं झगड़ा तो है, वो तो सब फैमिली में होता है। तो वो मेरा मिसेस एक पूजा तो बहुत होता है करती है। प्यार वाला झगड़ा, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, एक तो झगड़ा होता है ये वाला। एक झगड़ा होता है कि भैया सुबह से लेके शाम तक बर्तन बज ही जा रहे हैं। नहीं गुरुजी, मेरा डाउट किस लिए है, जैसे कि हम लोग, हम जो दूसरा का किसी को मिलेगा ऐसा जो जो लोसु ब्रिड मिलेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना जब ठीक है तुम्हारा वो रेमेडी करो। तो मेरा जो डाउट एक जो हम चेक कर रहा था, तब समझ में आया मेरा मिसेस बहुत पूजा करती है दिन भर। हम लोग पूजा के कारण लगता है हम लोग का जो मैं तो कह रहा रिलेशन हूँ जो तुम है। ब्लेस हो, तुम क्यों पंगा ले रही हो? अगर तुम्हें फिर भी और अच्छा करना है, मैं आज फ्रूटी बांट के आया हूँ, कल मैं आइसक्रीम बांटूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अपना हेल्थ वेल्थ मैरिज सब ठीक करना है, तो रेमेडी में कर रहा हूँ। रेमेडी कर करे रहा जाओ, था। भी करे जाओ। रूट ठीक है ठीक है कॉज ठीक है। क्या है? रूट कॉज भगवान पे छोड़ दो, उसके अंदर हाँ टेंशन मत पालो। जैसे मैंने भी विपुल भाई को बोला, वो हाँ जबरदस्त हाँ बैठे हैं, मेरा पर्सनल ईयर 8 है, मैं अपनी नेम की स्पेलिंग 1 पे ले जाऊं तो क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा भाई, तुम 5-7 वाले हो, तुम्हें भगवान ने ब्लेस करके धरती में भेजा है, तुम ऐसी वहम पाले जा रहे हो। वो तो इससे पहले भी पर्सनल ईयर 8 आया था, उससे पहले भी पर्सनल ईयर 8 आया था। हाँ सही तुम्हारे बात। भगवान अगर एक शांति दे रहा है, तुम्हारे को ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो उसको लो। हाँ, उसको और अच्छा करना है तो आप अपनी रेमेडी करो, भाभी अपनी रेमेडी करे, और आशीर्वाद आ जाएगा। समझ गया, लेकिन जी डियर, हम ठीक है। मेरा डाउट वही था जो कौन सा नंबर के कारण ही मेरा हम लोग का जो टिका हुआ है वही हम लोग का भाभी के पास 6 है, 6 नहीं है। आपके पास 6 है, हाँ मेरा पास 6 है, टिकी इसी वजह से शादी टिकी हुई है। डियर, एक हुई है, हुई वही है बार वही है। समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबरों को समझो ना, नंबर क्या कह रहे हैं। वही सर। ठीक जी है डियर, ठीक है, जी डियर, थैंक यू गुरु जी। जी जय श्री मैम। सर मेरे को 2-3 सवाल है। एक तो किसी के चार्ट में 666 है, लेकिन कुआं से 6 आ रहा है, तो 666 मानेंगे क्योंकि 20% है, दिखाई देंगे 3, माने 2 ही जाएंगे। मान ही दो जाएंगे। तो जो नंबर हमारी रिपीट नंबर की जो रिपीट नंबर का जो सिक्स, कैरेक्टर है वो डबल का आएगा, डबल सिक्स, 666 का आएगा। अच्छा, और सर एक ना आपने बताया था 6 नंबर के लिए ना गोल्डन स्ट्रैप में, जो गोल्डन स्ट्रैप में वॉच पहन, तो सर गोल्डन जो कलर है वो तो येलो होता है नॉर्मली, तो 6 के लिए 3 नंबर येलो कलर। इसमें कलर थेरेपी नहीं हो रही, इसमें वॉच की थेरेपी हो रही है। इसमें ये अच्छा कहा गया है कि कभी भी आपको लेदर स्ट्रैप वॉच नहीं पहननी है। अगर आप हाँ एप्पल की वॉच पहनते हो, चूंकि वो शुरुआत ही 50,000, 60,000, 1 लाख से होती है, तो वो अपने आप के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। नहीं तो सोनाटा की 350 रुपए की आती है, क्योंकि ये एलिमेंट को समझना है, ये एलिमेंट गोल्ड है, ये गोल्ड कलर हम ले रहे हैं, हम एलिमेंट गोल्ड ले रहे हैं, क्योंकि हम जब भी चलते हैं, देखो मेरे इसके ऊपर भी ये रोज गोल्ड बना हुआ है, ये सारा रोज गोल्ड, और इसका जो जी कलर मैंने लिया वो मैंने ग्रीन लिया है। ग्रीन लिया। हाँ तो यही कह रहा हूं कि आपको उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी है। अगर ये लेदर स्टैप होता तो आपने तो मेरे, सर 2 पहना हुआ है वॉच। नहीं मैम एक ही पहना मैंने, वो अच्छा, वो वीडियो में एक और था। अच्छा, दूसरी वाली, वो 5 वॉचें पड़ी हैं, हाँ कोई अच्छा सर, किसी ने ना मुझे ये भी बोला था शुरू में ही, मतलब मैं तब जानती नहीं थी ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, वो कहते थे तू गोल्ड मत पहना को। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोल दिया होगा। नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट ही थे वो भी, नहीं मैडम, तो गोल्ड में तो कोई एलिमेंट तो मेटल का आता है ना। कोई मतलब ही नहीं है मैडम, कोई मतलब ही नहीं है। जितना मर्जी गोल्ड पहनो, पहन के उसे दिखा दो, उसे प्रूव कर दो कि वो गलत हाँ अच्छा है, सर, और क्या। एक जी सर एक बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को आजकल ना, आईटी सेक्टर में और बाकी सेक्टर में ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं।
जी मैम बिल्कुल पूरे हो पूरे 100 100 200 बच्चे एक साथ निकल रहे हैं, हाँ मैम तो उनका ग्रिड में किसी का 6 है, किसी का 1 है, 8 और 4 नहीं पर्सनल है। ईयर देखो ना मैडम, पर्सनल ईयर देखो ना, चार और नहीं आठ वो साथ तो, में हाँ है, जी वो तो, पर्सनल ईयर देखो वो तो मैं देखूंगी सर, 8 है, किसी का 6 है, इस तरह चल रहा है। तो रेमेडी हम उनको कौन सा दें, वही काऊ वाला, एंट वाला, या आपको समझ में फ्रूटी? आए, फ्रूटी अगर वो फेंगशुई रेमेडी कर सकते हैं तो फेंगशुई रेमेडी करवाओ, अगर वो वैसे रेमेडी कर सकते हैं तो वैसे रेमेडी करवाओ, तो वो उनकी 6 है तो आइसक्रीम खिला दूं, और क्या आपने थोड़ी और खिलानी, उसने खिलानी है। हाँ हाँ वही वही 3 है तो उनको फ्रूटी खिलवा दें बिल्कुल थर्सडे को, है ना। बिल्कुल, मैं तो अभी खिलवा के आया हूँ, अभी 9 पीस फ्रूटी बांट के आया हूँ हाँ जी अगर सर किसी का 1 है तो उनको क्या सर। करना, 1 नंबर है ड्राइवर हाँ तो कोई बात नहीं है मैडम, ड्राइवर वाला कंडक्टर क्या है। कंडक्टर तो 5 है सर। हाँ तो बिल्कुल थर्सडे की भी रेमेडी करेगा, फ्राइडे की भी रेमेडी करेगा, अच्छा ओके ओके, तो उसको बहुत आसान हो जाएगा वो तो। ये कॉमन हो गया, 5 और 6 वाला कर सकते हैं, अगर 3 वाला भी करें तो ये बेटरमेंट के लिए बेसिकली। बिल्कुल बेटरमेंट के लिए, 3 भी उसका दोस्त है, 6 भी उसका दोस्त है, डॉग्स की सेवा भी उसकी दोस्त है, जो जो उसके दोस्त हैं उसकी रेमेडी कराओ, काऊ की रेमेडी हर एक से करवाओ। और सर वो गायत्री मंत्र पे फोटो लगाना, पीछे लिखना है जॉब। नहीं, इंटेंशन डाल दो पीछे, तो उसके नाम, उसकी मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ डालनी है ग्रीन पेन से, जब उसको इंस्टॉल कर रहे हो तो इंटेंशन डालनी है, मेरे को टाटा इंफोसिस में या TCS में जॉब मिल गई है, गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, अगर जो कंपनी का नाम नहीं पता हो तो ऐसे ही बोल ऐसे दें। ही बोल दे, मेरे को आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और मुझे उसमें बहुत अच्छी सैलरी मिली है, गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फोटो, डेट ऑफ बर्थ, मदर का नाम। अच्छा ठीक है सर, एक और लास्ट सवाल मेरा अभी बीच बीच में आ रहा है याद में। जी। अगर कोई ऐसा कहता है, मेरी एक दो क्लाइंट है, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में भी बहुत डील करती हूँ, जी मैम तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि सरनेम ही नहीं लेना, हम हमारा सरनेम है ही नहीं, हमारा था पापा का, हमने हटा दिया। विजय दीनानाथ चौहान, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, वो कहता है मेरा नाम सिर्फ विजय लिखो, दीनानाथ भी भाड़ में गया, चौहान भी बाद में गया, तो हम विजय को पॉजिटिव कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। क्लाइंट उसमें की सुननी है विजय जयश्री मैडम, क्लाइंट की सुननी है, जी क्लाइंट भगवान है, क्लाइंट की बात को सुनो मैडम, ठीक है सर, वही मुझे डाउट था हमारा कोई मतलब नहीं है ज्ञानी बाबा बनने का। जी। क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट कहता है कि भैया मुझे पापा का नाम लगाना है, हम पापा का नाम लगा देंगे, क्लाइंट कहता है मुझे मेरा सरनेम नहीं लगाना, सिर्फ मेरे नाम को देख दो, हम उसके नाम को देख देंगे। मम्मी का भी लगा सकते हैं ना, अगर वो संजय लीला बंसाली आपके सामने 50 पे आता है, क्यों जी नहीं लगा सकते, किसने रोका है। अरे मम्मी तो सारा आशीर्वाद देती है जी सर, ये जो कार पिरामिड आपने बताया, ये जी 2970 स्टूडेंट का प्राइस है, जी मैम, स्टूडेंट का। और जो सर पैरा, MRP है, ये MRP है, स्टूडेंट प्राइस आपको कविता मैडम से पता चलेगा, ये MRP है, अच्छा पायरा भी कविता मैडम बता देगी ना, सब कविता मैडम बताएगी, क्योंकि ठीक है सर। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, बाकी सब मेरी बीवी और कविता मैडम देखते हैं जी सर ठीक है। जी मैम। जी उदय भाई बताओ हेलो सर, मेरे जी, पास क्लियर तीन क्लाइंट्स है सर, ऑफिस की ही है सर। दोबारा बता क्या कह रहा है। मेरे पास तीन क्लाइंट्स है सर, ऑफिस में ही है तीन ठीक है ठीक है ठीक क्लाइंट्स, और तीनों को भी शादी में प्रॉब्लम है, मतलब उनकी शादी हो ही नहीं रही, ठीक है ठीक है, सारे लेकिन ब्रेक हो रहे हैं, तो मैंने सबका उनके बजट, 51 51 हज़ार रुपये का बिल बनाना है। हाँ हाँ वही इसलिए कॉल किया, सबका हाँ 51 हज़ार में बिल बनाता हाँ हूँ। लेकिन एक उसमें से एक लड़की है, उसका ड्राइवर 6 है और कंडक्टर भी 6 है सर। ठीक है सर, ठीक ड्राइवर 6 है, कंडक्टर कितना है, ठीक है सर, ठीक है। पर्सनल है, उसकी शादी पर्सनल ईयर क्या है। ईयर चल रहा है, 2 चल रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम आएगी, अगला उससे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप इमीडिएटली फ्राइडे की रेमेडी स्टार्ट करवा दो, कल फ्राइडे है, कल से रेमेडी स्टार्ट करवा दो। फ्राइडे की रेमेडी करवाने देता हूँ, और मैं सर तो फिर उसकी शादी पर्सनल ईयर 3 में हो सकती है या फिर डाउट। पर्सनल ईयर 2 में भी हो सकती है, लेकिन हाँ सही बात यह है शादी करवा किससे रहे, अगर कोई हाँ उसको मिल जाती है ड्राइवर 2 कंडक्टर 9, ड्राइवर 3 कंडक्टर 9, तो बिल्कुल हाँ करवानी, हाँ सर, अभी और कहो कि पहले, अभी दिमाग नहीं लगाओ, अभी उसे कहो हाँ कि टाइम अच्छा नहीं है, ऐसे कहता हूँ। पेशेंस एंड फेथ पहली चीज, दूसरी हाँ चीज उसको गले का यंत्र दो, सूर्य बुध दो, 1 मिनट सर, गले का यंत्र, सूर्य बुध,
हाँ, और बस वो दो ही। इसको पहनने के दो, उसको मास्टर पायरा कार्ड दो, उसको पायरा फायर दो, उसको विश पिरामिड दो, ताकि जल्दी से उसकी शादी हो सके। कविता ओके सर, ये सब मैडम, जो चीज समझ में ना आए चीजें तो कविता मैडम को फोन करो, कविता मैडम आपको गाइड कर देगी। जरूर सर। और सर अगर उसका नेम स्पेलिंग आ रहा है टू टू पे, तो उसमें भी सर चेंज करूँ, चेंज बिल्कुल चेंज करना है, वो तो पहले चेंज करना, उसके 51 सौ करूँ अलग, उसके 51 सौ रुपये अलग से लेने हैं। बिल्कुल, 5100 रुपये अलग से? एक मिनट सर, वही वही तो तो आपका कॉन्फिडेंस है। हाँ सर, ऐसे 3 क्लाइंट आ गए, आपका कोर्स फ्री हो गया। हाँ सर वही करता हूँ मैं भी, देखो वही कितना करने स्वाद वाला। आएगा काम करने का, क्योंकि मन में अभी बोझ है कि भाई इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, ये कब रिटर्न होगा, तो उस बोझ को बाहर निकालो। वैसे तो मैंने आपको 19,000 रुपए के प्रोडक्ट दिए हैं साथ में, वो जरूर सर, कुछ हमने रखा ही नहीं, फिर भी जब वो कमाई जेब में आती है तो स्वाद आता है। सर और एक उसपे सवाल था, वो कहते कि मैं फॉरेन स्टडी करना चाहती हूँ, तो अगले साल में देखो शिक्षा कैन गो राइट, बिकॉज उसको डबल इसी सीट आ रहा साल है, जा सकती है डियर, इसी साल भी जा सकती है इस कनाडा साल भी। भी जा। देखो ना, कोई क्यों आप किसी का तुम साल क्यों खराब कर रहे हो? नहीं मान सर, लो क्योंकि उसको, पर्सनल टू आ रहा है ना, इसलिए मेरे को डाउट है। तो क्या हो गया? वो तो कह रहा, तुम साल क्यों खराब कर रहे हो? तुम उसके नेम के स्पेलिंग ठीक करो, उसको बोलो कनाडा की तैयारी करे। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे अपन कह सकते हैं। ये उसको ना जाने देगा पर्सनल ईयर, पर्सनल हाँ वही बोल रहा हूँ, ईयर उसको नहीं जाने देगा। तभी कह रहा हूं कल उसको बोलो कि कल आइसक्रीम बांटनी स्टार्ट करे, वो अपना कर्म करे, पर्सनल ईयर अपना कर्म करेगा। पर्सनल जरूर सर, ईयर टू टेंशन देगा, पर हाँ आपने हिम्मत नहीं हारनी। जरूर ऐसे ही कहता हूँ। जी डियर, हाँ सर, और एक क्लाइंट आया, तो उसका ड्राइवर 1 है, एक कनेक्टर 3 है, तो और उसका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, अभी बिल्कुल शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी, तो वही वो बोलता है कि क्या क्या है रेमेडी करने से शादी हो जाएगी। पहले से 5100 रुपए लो, उसकी रिपोर्ट बना के दो, उसके बाद हाँ कविता मैडम से बात करो, उसको रेमेडी का बिल बना दो 51,000 रुपए का। अगर वो पेमेंट आपको नहीं देता, पेमेंट हमारे अकाउंट में मंगवाओ, हम आपको कमीशन वापस कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? हाँ जरूर जरूर। और और एक केस है, जो जो अभी मैंने कहा था, उसका नेम स्पेलिंग आ रहा है 3 3 पे, और ठीक उसके ग्रिड में पहले से 4 और 6 है, तो अगर मैं उसको फाइव कर दूं नेम स्पेलिंग है, कर और दो, रिप्लेस, फिर एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा नेम स्पेलिंग का तो? तो उसका चार्ज करना ही करना है, पहले उसका चार्ज करना है, बिल तो बाद में बनेगा। जरूर सर, बिल्कुल, पहले उसका एक्सरे या अल्ट्रास्क्रीन होगा, ये तुम उसके पैसे ले रही हो, फिर हाँ उसके बाद उसको ऑपरेशन करना है, हाँ उसको चाहे दवाइयों पे रखना है, वो उस रेमेडी में देखना पड़ेगा। सर। जी और एक तो जो थर्ड केस है, उसका कनेक्टर 3 है, ड्राइवर 5 है, और नेम स्पेलिंग 4 पे आ रहा है, तो उसको और वन पे ले जाओ, उसको वन पे ले जाओ। 1 पे लिखेगा, नेम स्पेलिंग 1 पे, क्योंकि उसके ग्रिड में पहले से 5 और 1 है सर, ऑलरेडी डबल 1 है, तो मैं इसको 6 पे लेके जा सकता हूँ? नहीं, 6 उसका एमवी हो गया, 3 है ना इसे एमवी? आपको लगता है उसे सुसाइड करवानी है तो 6 पे ले लो। नहीं सर नहीं, तो फिर और उसका भी पर्सनल ईयर चल रहा है 3, हाँ कोई बात तो नहीं, बहुत अच्छा कोई बात पर्सनल है, नहीं, शादी करवा बस देगा, शादी करवा अच्छा दो। करवा देंगे। तो क्योंकि अब जब हम लोग पर्सनल ईयर के हिसाब से भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, बिल्कुल, एंड इफ यू से दैट, तो उनको और भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई ये काम कर रहा है, भले ही हाँ वो कुछ रेमेडी करे या ना करे। अपनी रिपोर्ट बनाओ उदय भाई, पहले हाँ अपनी रिपोर्ट बनाओ, पहले खुद यंत्रा पहनो, खुद ब्रासलेट पहनो, खुद पायरा कार्ड बनाओ, खुद पायरा फायर करके देखो, तब क्लाइंट को बोलने वाले बनोगे। डियर, मैं 12 साल का एक्सपीरियंस लेके चल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें पॉसिबल हैं। क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़ गया था, जब से उनको पता चला कि मैं सीख रहा हूँ, अरे भाई, पीछे पड़ गया वो लोग। तुमने उनके अंदर आग लगाई है, अब तुम पेट्रोल नहीं डाल रहे हो तो गलती तुम्हारी है। देखो नहीं एक्चुअली क्या हुआ, हाँ भैया, मेरे गुरु ने साफ मना करा है, नथिंग कम्स फ्री इन दिस लाइफ। हाँ एक्चुअली क्या हुआ सर, जब मैंने पहली बार मोबाइल न्यूरोलॉजी कोर्स किया आपके कोर्स से पहले, तो बिल्कुल मैंने वो फोन नंबर देके कुछ उनका प्रेडिक्शन कर दिया कर उनको। दिया। हाँ, हाँ, तो उनको मैंने बताया नहीं कि भाई मोबाइल नंबर से आया, तो तो उनको लगता कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, उनकी तो गलती वो नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ, पेट्रोल डालो, अब पेट्रोल डालने का टाइम आ गया है, आप लास्ट क्लास है, अब उसमें पेट्रोल डालो ताकि अग्नि बढ़े और तुम्हें पैसे मिले। बिल्कुल हाँ सर ऐसे करता हूँ। ओके सर, बिल्कुल फिर थैंक यू सर। जी, राकेश भाई। जय गुरु जी। जय गुरु जी डियर, सर ये मुझे ये रेमेडीज के बारे में पूछना था, बताओ जैसे डियर।
भी एग्जाम्पल में मेरा ले रहा हूँ अभी, ऐसा 3 4 5 6 8 मिसिंग है, खाली कुआ नंबर से 3 आ रहा है, तो मुझे ब्रेसलेट ऑर्डर करना है समझो, लेना है, तो इसमें कॉम्बिनेशन वाला मिलता है कि अलग अलग लेना पड़ेगा इसमें सर? ऑपरेशन वाला भी मिलता है, कविता मैडम से बात करो, ये मैंने बात की थी बाद में, मैंने ये कोर्स की वजह से रुक गया था मैं तभी, इसलिए अब हाँ बात कर लो कविता मैडम से, कल सुबह बात कर लो। नहीं, क्योंकि मुझे वो बायराबूत भी यंत्र ऑर्डर भी करना है मुझे, और ये खाली मैं आपसे कंसर्न करना चाहता था ये कि मिक्स वाला भी अपन ले सकते हैं ना ऐसा? सब कविता मैडम के पास है डियर, सब कुछ पहन सकते हो आप। पहली बात समझो कि आप क्या हो, आप शोरूम हो। आप चाहे घूमती चक्कर वाला पहनो, आप चाहे 6 ब्रासलेट पहनो, 10 ब्रासलेट पहनो, सामने वाला आपकी बातें तभी कन्विंस होगा जब वो आपको देखेगा। हाँ सर वही, वो दिखेगा तो ये दिखता है वो। बस तो आपको जो भी क्वेरी है वो कविता मैडम से करके वो आपको उसका सोल्यूशन दे देगी। और दूसरा ये था जैसे कि जो आपने रेमेडीज है, अपने जो वैदिक रेमेडीज सब बताई थी, वो मैं एंटी नंबर की नहीं करनी चाहिए ना कोई भी ऐसी? आपका एंटी नंबर 6 है, आपका एंटी नंबर 8 है, आपका एंटी नंबर 9 है। 9 की रेमेडी क्या है? 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा हरे को करनी चाहिए। समझो वो रेमेडी क्या कहना चाह रही है। आपका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 है, आपको 4 की रेमेडी नहीं करनी। लेकिन 4 की रेमेडी क्या है? खाटू श्याम जी के दर्शन, डॉग्स की सेवा। क्यों मना करते हो? आप ये सोचो ही मत कि आप उसको रेमेडी कर रहे हो। आप सोचो कि मैं आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ खाटू श्याम जी से। जी डियर, और दूसरा एक और एक था सर, ये जैसे कि आपने एक फेंगशुई के हिसाब से आपने वो कराया था, ग्रीड बनाया था हमने चाइनीज हिसाब से, जैसे कि तो उसमें जैसे कि 3 और 4 में आपने वुड लिखाया था, एलिमेंट में मैंने एक्चुअली मैंने बहुत 1.5 2 साल पहले मैंने अरविंद, ये लॉकडाउन में मैंने अरविंद सूद का ये देखा था, ये वुड रेमेडी के बदले मैंने वो मैं वो डाला था, क्या बोलते हैं वो भी उसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष डालता ही हूँ, और ये तुलसी माला के, ओके। तो वो डिस्कार्ड कर डालू क्या सर? नहीं, वो भी पहने रखो डियर, आशीर्वाद दे रही है। वो भी तुलसी माला उनको पहनाते हैं जो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं और जो नॉन वेज से बिल्कुल परहेज करते हैं। I'm जैन कंप्लीट, पहने तो खाते ही नहीं कभी, तो रखो एक डियर, रहती पहने रखो डियर, कोई बुरा नहीं है। नहीं पूछना चाहता था, रुद्राक्ष में डालते ही हूँ ऐसा। बहुत बहुत पॉजिटिव है, पहने रखो। थैंक यू सर। और एक बात सर, हाँ, आपने जो ये कोर्स कराया, जैसे कि मैंने भी बहुत जगह पे अभी बहुत जन ने डिस्कशन किया था कि 50,000+ का होता है, और 50,000 भी इतना मिलता नहीं कहाँ भी सर, जो आप देते हैं प्लस आप जो चीज को पेशेंटली समझाते हो रिपीटेडली, कभी कभी आप बहुत जन तो क्या मैं ऐसा मैं एग्जांपल, हम भी एक क्वेश्चन आ गया हो तो वापस आपको रिपीटेडली पूछते हैं ऐसा जैसा कि ऐसा, तो भी आप पेशेंटली सबको आंसर देते हैं, इट इज रियली हेड्स ऑफ टू यू सर, ये आप मीन्स हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप जैसा गुरु मिला है हमें ऐसा। ऑलवेज वेलकम राकेश भाई। मेन चीज ये है कि ये लोग मेरी बात समझ नहीं पाते। मैं बार बार इन्हें कहता हूं कि जैसे तुमने अगर ध्यान से मेरी एक एक बात सुन ली तो तुम्हारे को कभी फेलियर नहीं आ सकता। पक्का है सर ये ये अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि उनके दिमाग में अपना क्वेश्चन है, उन्होंने राकेश भाई का क्वेश्चन नहीं सुनना, उन्होंने उदय भाई का क्वेश्चन नहीं सुनना। वो कहता मुझे मेरा आंसर चाहिए। यही सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। वो तो राहुल जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे को साइड में हटा के आना चाहिए बस कोर्स में, वो तो मुझे बिल्कुल, याद है ऐसा। मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं आया। मैं तुम्हें वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने की चेष्टा कर रहा हूं। यस अब डेफिनेटली आप लोग वो समझ के राजी नहीं। आप क्या सोच रहे हो यार, मेरा भला कर दो, मेरी बीवी का भला कर दो, मेरे बच्चों का भला। अरे वो का भला तो हो ही जाएगा अगर तुम समझ गए तो। मैंने 1 लाख न्यूमरोलॉजिस्ट बनाने हैं, मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूं। डेफिनेटली डेफिनेटली रियली तुम लोग छोटी सोच लेके बैठे हो कि भाई हमारा भला कर दो। अरे तुम्हारा भला तो उसी दिन हो गया जिस दिन तुमने फीस दे के इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया। कोई तुम्हें प्राणी वर्ल्ड के अंदर अपनी 12 साल की मेहनत दे दे तो उसका नाम जरूर देखा। सर नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ चैलेंज कोई देगा ही नहीं, मैं चैलेंज बोल रहा हूँ, नहीं है ना कोई सर इतना। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है कि जो मेरे पास है वो मेरे बच्चे की, मेरी बीवी की प्रॉपर्टी। अरे कहाँ बीवी कहाँ बच्चा। तुम उन बच्चों को अपना बनाओ। तुम सब बच्चे मेरे लिए मेरे परिवार हो। तभी मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है। मैंने जो 9 साल पहले बच्चा पढ़ाया था उसको हिंदी नहीं आती थी, मुझे असामी नहीं, बंगाली नहीं आती थी, तो मैंने उसको
मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे पढ़ाया था, और फीस मैंने ली थी सिर्फ 2,500 रुपये, क्योंकि वो मेरा पहला स्टूडेंट था। उसने कहा मैं पढ़ूंगा तो आपसे पढ़ूंगा। मैं कहा बेटे देखो मैं भी पढ़ा के दिखाऊंगा। 41 डेज कोर्स चला था। और सर दूसरा ये पिरामिड के बारे में, आई एम यूजिंग फ्रॉम 98 से मैं कर रहा हूँ, और 98 से फायदा मिला है मुझे, पर बीच में थोड़ा सा मेरा जो, जैसे कि मेरा बॉम्बे में मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर था, तो मैंने हर जो ब्रह्मस्थान होता है ना हर रूम का, वहाँ बड़े वाले जो भी तभी उस टाइम पे मेरे ख्याल से 5,000 का कुछ था, बड़ा वाला पिरामिड था 5,000 का ज्यादा था तो डाला था, और माई हाउस वॉज वेरी पॉजिटिव एकदम, वेरी पॉजिटिव। जो भी आता था वहां से जल्दी, मैग्नेट था वहां से उठता नहीं था कभी, और रियली इट इज देयर। मैंने 98 से लेके काफी सक्सेस भी देखा है मैंने, और रियली वापस मैं जाता हूँ, वापस जुड़ना पड़ूंगा वापस, बिल्कुल हो जाएगा डियर। आप पाया फायर करके तो देखो, आपने वो हाफ कोर्स करा, मैं करता था बाद में थोड़ा मेरा यही तो कह रहा हूँ, अब फिर दोबारा शुरू करो, अब गोल्डन पैरा फायर मंगाओ और उसे करके देखो, देखो आपको कितनी हाइट्स पे ऊपर वाला लेके जाता है। और मुझे याद है मुझे जब जितेंद्र सर ने मुझे जब ताज लैंड में 2003 के 4 में फर्स्ट ये हुआ था, तभी मैंने ज्वाइन किया था, मेरे को हारमोनी यंत्र लेने के लिए बोला था सर ने, आज तक मैंने वो रखा हुआ है मेरे बेडरूम में। वेरी गुड। इसलिए हमारी दोनों की, मेरे और मिसेस की हारमोनी चल रही है, इसलिए तक मैंने रखा वही रखा है मैंने अभी तक। नहीं उसको हर 5 साल बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नया मंगा लेना चाहिए। उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो उसको डिस्कार्ड करके नया मंगा लो। हर 5 मेरे पास विश पिरामिड भी था, वो भी मेरे को निकालना है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत टाइम हो गया उसको भी। नया लो ना डियर, नया लो ना, आपको जो भी स्पेशल रेट है वो कविता मैडम बता देंगे। यस डेफिनेटली। ओके थैंक यू सर जी। मीनू मैम जय गुरु जी। सर जय गुरु जी। मीनू जी सर दो ब्रदर्स हैं, ट्विन है, और उनका ड्राइवर कंडक्टर 2 और 9 है। ठीक है मैम। और इवन उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 29 डेट है, 29 मई 1991। ठीक है। और आपने लिखा हुआ है कि उसमें शादी में प्रॉब्लम आती है स्पेशली मेल के। जी मैम। तो एक की शादी हुई थी 2020 में, उसके फिर उसका डिवोर्स हुआ है अभी। मैम जी मैम। और जो दूसरा है उसकी शादी नहीं हो रही है, तो अभी इनका क्या वो क्या? और एक का जो नाम का टोटल है वो 1 पे है, और दूसरे का 8 पे है। जिसका 1 पे है उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, और जिसका 8 पे है उसका करियर भी स्लो है। अब मानते हो ना कि ये विद्या जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर जेनुइन है। बिल्कुल जेनुइन सर। यही मैं कहता हूँ कि ट्विंस का केस जब सामने आएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितनी अच्छी विद्या के साथ जुड़े हो। अब उन माँ बाप का सोचो, उनकी तो कोई कसूर नहीं था। राइट सर। उन्होंने तो प्यार से राम गुप्ता श्याम गुप्ता नाम रख दिया। राइट। राम जो है वो सक्सेसफुल हो गया, श्याम गुप्ता फ्लॉप हो गया। दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम, दोनों को सेम कपड़े पहनाए गए, सब कुछ सेम किया गया, फिर भी नाम अलग दे दिया गया। यहीं पे मीनू मैडम आपका और मेरा रोल आता है। राइट सर। कुछ मत करो, दोनों के नेम के स्पेलिंग को 1 पे लेके जाओ, पहले चेक करो जो पहले का नाम 1 पे आ रहा है वो कितने के 1 पे। 37 के 1 पे सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसको जो रेमेडी आप देना चाहो 3 की 1 की 5 की 7 की वो करवाओ, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर 9 है, नॉन वेज तो नहीं खाते सर। खाते हैं। रूट को समझ में आ गया ना? जी सर जी। यही कह रहा हूँ, क्लाइंट जब समझ में आए 3 और 9 वाला है, उसका रूट कॉज क्या निकलेगा कि भैया वो कहीं ना कहीं पे नॉन वेज खाता होगा। ये उसको बंद करवाओ, उसको बोलो 3 दफा राम स्तुति करनी है, 3 दफा हनुमान चालीसा पढ़ना है, देखो कैसे ब्लेसिंग्स आ जाएगी। पर्सनल ईयर क्या चल रहा है मैडम? सर 5। बस शादी हो जाएगी मैडम, बल्ले बल्ले। एक की तो जिसका डिवोर्स हुआ था उसकी शादी तो हो गई इस साल। अच्छा। और दूसरी के लिए अभी दूसरे जो है भाई है उसके लिए फ्रूटी वाली रेमेडी करवा दो। ठीक है सर। ठीक। नेम के स्पेलिंग को 8 से ले जाओ 1 के ऊपर, एक बी के आर ऐड कर दो, और उसके बाद सीधा उसको बोलो कि रेमेडी करे थर्सडे की। ठीक है सर। ओके। बहुत आसान है मैडम, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं समझ में आ पा रहा, सारी वीडियो देख डालो, आज तो हमारी लास्ट क्लास है, कल से फिर दोबारा अपने आप को मोटिवेट करो और उसको सिर्फ वीडियो देखो बस। और सर जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता कि है ही नहीं, जिनकी मतलब क्लियर ही नहीं है कि 700 रुपए, वो तो सबसे बढ़िया क्लाइंट है, वहां तो दिमाग लगाना ही नहीं है। जी सर। वो तो सर जो नेम नंबर किस पे लेके जाना चाहिए थे? 1 पे। क्यों, 1 का दुश्मन कौन है? 8। फिर कैसे 1 पे लेके जाओगे? हाँ तो 5 पे लेके जाए फिर। सभी कुछ 5 पे जाएगा। वैशाली मैडम कितनी बारी क्वेश्चन कर चुकी है ये क्लास में। जी सर।
वैशाली मैडम हर बारी क्वेश्चन यही समझ लो पूछती है कि उसका नेम के स्पेलिंग कहाँ जाएंगे, उसके सिग्नेचर कहाँ जाएंगे, उसका अकाउंट नंबर कहाँ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर कहाँ जाएगा। ये तो जैकपॉट है मैडम, पता नहीं मुझे ऐसे जैकपॉट नहीं मिलते। ठीक इससे आसान काम नहीं है मिनी मैम, अगर ऐसी जैकपॉट ओके वाला बंदा ना हो इससे आसान काम नहीं है। सर, थैंक जी मैम, यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। जी विजय भाई, राधे सर राधे डियर। जी, मैंने गोल्डन वॉच के रिगार्डिंग ही पूछा था आपसे, किसके लिए डियर, दोबारा बताओ। जो 6 नंबर मिसिंग होता है उसके लिए मैंने खुद गोल्डन वॉच पहनी हुई है, हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसका पहनने का कोई खास दिन है, कभी भी नहीं पहन सकते डियर, हैं? कोई कोई पहनने का दिन नहीं है। जो राइट हैंड से लिखते हैं वो राइट हैंड में पहनेंगे, जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, कोई खास दिन नहीं है। घड़ी रोज पहननी चाहिए यार। और इसका कुछ वो तो नहीं है कि मतलब किसी खास टाइम के बाद इसको चेंज कर देना चाहिए घड़ी को, 2 4 साल, पांच साल के बाद? जब तक मैं फैक्ट्री नहीं लगाता इसको कभी चेंज मत करो। जिस दिन मेरी फैक्ट्री लग जाएगी हर साल में चेंज कर नहीं, फिर भी मैं जैसे उसका कलर फेंट हो जाता है। तो चेंज करवा दो यार। सोनाटा की 350 रुपए की आती है, उसे को 6 महीने बाद चेंज कर दे, क्या दिक्कत है। अच्छे पैसे है तो 28,000 वाली भी है, और अच्छे पैसे तो 28 लाख वाली भी है। शाहरुख खान भाई 8 करोड़ की पहनता है। और सर एक चीज और, जैसे एक गोल्डन कलर है तो क्या गोल्ड पहनना इसका अच्छा और नहीं ये मैडम, बेटर नहीं ऑप्शन है? विजय भाई, गोल्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये 6 नंबर को एनहांस करने के लिए एलिमेंट गोल्ड है। अगर आप उसको नहीं दे सकते हो तो मैंने जैसे गोमती चक्र पहना है ये भी आप पहन के आशीर्वाद ले सकते हो नंबर 6 का। इनकेस कोई गोल्ड की रिंग या गोल्ड की चेन वगैरह पहननी इससे है तो? कोई कोई लेना देना नहीं है इसका। ओके, आप गोल्ड 1 पहनो, 10 पहनो, गले में वो जो गोल्ड बाबा है वो बन जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। घड़ी का पर्पज सिर्फ घड़ी ही पूरा करेगी, गोल्ड का ओके कोई लेना देना नहीं है। सर, थैंक यू। ओके डियर जी, जय श्री मैम। सर पायरा यंत्र जो है इसी इसमें बुध पायरा जो है 5 और 6 के लिए, हाँ 5 और 6 के लिए क्योंकि बुध पायरा। सर जो आप हमें कोर्स के साथ जो दे रहे हैं वो सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड है सर? मैडम सब डबल आते हैं। हाँ सर, मेरे को ना फोटो नहीं भेजा उन्होंने, और वो सूर्य पायरा दे रहे हैं मुझे, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? नहीं मेरे लिए नहीं था, बेटे के लिए था। उसके पास ग्रिड में 995 और मैम डबल डेट नाइन ऑफ बर्थ क्या है? 15/4/1994, हाँ तो उसमें 5 मिसिंग है। नहीं 5 है बस ठीक है, फिर आपने क्या मंगवाया उनसे? सर। उन्होंने मेरे को कंसल्ट ही नहीं किया, हाँ तो क्या भिजवाया उन्होंने? वो कह रहे हैं नंबर 2 सूर्या, नंबर 2 2 नंबर सूर्य कहां से हो गया? उन्होंने भेजा, वो लिख के भेजा है सूर्या नंबर 2, ऐसे लिफाफा में लिखा हुआ है नंबर 2 का फोटो। मतलब है मैडम पीछे साइड पे, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड। हाँ अच्छा सर, एक्चुअली सर आपको प्रोडक्ट मिल गया है? नहीं सर, उन्होंने सिर्फ फोटो भेजा है, लिफाफा का फोटो भेजा। हाँ तो कोरियर की फोटो भेजिए कि भाई हमारे यहां से कोरियर निकल गया है। बेटे का डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 15, ड्राइवर 6 है और कंडक्टर क्या है? 6 है सूर्य हाँ तो बिल्कुल सूर्य बुध दे रहे हैं उसको, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सूर्य उसको लाइफ में, सूर्य बुध है सर वो? हाँ सूर्य बुध है वो। अच्छा हाँ ऑलरेडी जब बेटे के पास 66 है तो उसको 1 और 5 की पावर को बढ़ा के देंगे। तो आपने अच्छा बेटे के लिए क्यों मंगवाया, आपने अपने लिए क्यों नहीं मंगवाया? सर, मैं अपने लिए मंगवाने वाली हूँ, तो मैं कविता मैम से बात करूंगी, मेरे बस में 5 मिसिंग है, तो आप पहले तो अपना मंगवाते ना, पहले खुद पहन के देखते फिर उसके बाद बेटे के लिए सोचते। नहीं सर मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ। मैं मना नहीं कर रहा, अभी जो फ्री वाला आ रहा था ये पहले अपने लिए, बेटे का बाद में मंगवा लेते, मैं तो ये कह रहा हूं। एक ही बात है सर, तुरंत मंगवा रही हूँ, मेरा 1 और 6 है सर, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। मेरा 1 और 6 आप है सूर्य बुध मंगवा लो, सूर्य बुध आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सर। मैं सोच रही थी उसके लिए बुध पैरा 5 6 मंगवाऊं, नहीं ना? डबल सिक्स है, अफेयर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। जी विकास भाई बताओ। बोल रहे थे ना सर कि जो ब्रासलेट वाला भी ऑफर जो आया था कविता मैम के द्वारा, हाँ तो उसमें 10 पीस मिनिमम लिखा हुआ है, 3 पीस मिनिमम लिखा है, तो भाई 3 पीस टेन मंगवा लो, दस 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 20 10 पीस मंगवा तो लो, कोई 2 पीस किसी के मंगवाओ, 2 पीस किसी के मंगवाओ, कम से कम इतना स्टॉक तो रखोगे। कपड़े कपड़ों का कितना स्टॉक रखा हुआ है?
तो हमको पूछना था ना कि उसमें कॉमन जो कॉमन ब्रासलेट है वो बता दें कि हम नहीं बताते, कविता मैडम बताती, हमें नहीं मालूम। तो सेवन चक्र वगैरह चूज कर लेंगे दो तीन, आपको चूज जो आपको पसंद आओ कविता मैडम सब भेज देगी, पर उसके लिए कविता मैडम से ही आप बात करिए। आपने तो हमारा ऑफिस में देखा हुआ, सब कुछ देखा हुआ है आपने। हाँ हमको सब कुछ देखा हुआ है, बात किए आज। हाँ बात करो कभी, जो जो व्यक्ति विशेष है उससे बात करने में समझ में आएगा ना, मेरे को उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं तो मैं क्या जवाब दूँ। ओके गुरु जी, काम कंपनी बनाना था मैंने बना दी, मेरा काम पढ़ाने का था मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो मेरे पास जो है 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट है, मैं हर एक की बात नहीं सुन सकता जी गुरु जी, समझ बात को। तो इसलिए आपको ऑर्डर देना है कविता मैडम से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ने बात किए थे, एक ऑर्डर आने वाला है, पेमेंट ही नहीं किया है तो आज बात हुई थी। स्टॉक रखो विकास भाई, स्टॉक रखो, बिना स्टॉक के कोई काम नहीं आएगा, क्लाइंट एक बारी चला गया वापस लौट के नहीं आएगा। ओके गुरुजी, टाइम ले लेते हैं भैया स्टार्टिंग में। जय श्री मैडम, पहले आप पहनो, आप पहले कॉन्फिडेंट होगे तब आप किसी को बताने वाले बनो। अब वो कह रही है कि मैं 2 दिन बाद ऑर्डर करूंगी, कोई बात नहीं, वो सिंपल एक बात है, बट पहले कॉन्फिडेंस तुम्हारे में चाहिए, क्योंकि क्लाइंट तुमसे आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, वो सारी बात। मैं तुम्हें क्यों एक गले वाला यंत्र भेज रहा हूं, ताकि तुम इसका एक्सपीरियंस करो, और जब एक्सपीरियंस होगा तुम कॉन्फिडेंस से भेज पाओगे। अरविंद सूद सर ने मुझे कोई यंत्र नहीं दिया, उन्होंने मुझे फीस ली 15,000 रुपये, उसकी सिर्फ उन्होंने विद्या दी, उसके बाद अगर मुझे खरीदना था तो मुझे उसके अलग से पैसे देने थे। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारे को मैंने बहुत बहुत कुछ दिया है ऐसा जिसको तुम्हें यूज करना चाहिए, उसको यूज करोगे तो समझ में आएगा। टाइगर आई पहन सकते हैं ब्रासलेट गुरुजी? क्यों नहीं पहन सकते, किसने मना किया? मेरा 2-4 है ड्राइवर। हाँ तो तुम्हें पहले ही कॉन्फिडेंस है, तुम कहाँ लो कॉन्फिडेंस में थोड़ी हो तुम। नहीं अब नहीं है। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो? हमको भी लगता है विजय सर जैसे 8-10 को पहन के घूमे। पहनो ना, किसने मना किया यार, मैं तो ऐसे स्पेशल रेट दिए आपको, पहनो जो दिखेगा वो दिखेगा। और सुबह का तो सेशन मस्त था, आप लगता नहीं थे। नहीं मैं नहीं, इतना मेरे और 36 काम होते हैं, सुबह तुम्हारे लिए जो चीज तुम्हारे लिए तुम एंजॉय करो, पूरा मजा आता है सुबह। ग्रेट ग्रेट, सभी लोगों को करना चाहिए मेडिटेशन वाला ना, सभी लोगों के लिए बिल्कुल करना चाहिए। हम तो वेट कर रहे थे सर का, मिल गया बहुत अच्छा टाइम पे। ग्रेट डियर, ग्रेट ग्रेट जी। मनीषा मैम, गुरुजी एक चीज बताइए, ये अगर जैसे मकान लेना हो तो उसमें प्लॉट नंबर भी देखेंगे, सिर्फ फ्लैट नंबर देखेंगे? मैम प्लॉट नंबर अलग है, फ्लैट नंबर अलग है। अगर आप कहते हो कि एक सोसाइटी है उसका प्लॉट नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर 600 मकान है, उसमें मुझे फ्लैट नंबर क्या मिल रहा है मुझे देखना पड़ेगा। मान लो उसका टॉवर जो है वो सरस्वती टॉवर है, अब उस सरस्वती टॉवर के अंदर 50 फैमिलियां रहती हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को अगर फ्लोर नंबर मिल रहा है 301 तो मेरे लिए वो दुश्मन है। मुझे अगर वो 303 मिल रहा है तो तीसरे फ्लोर के ऊपर 3 नंबर मुझे मिल गया, मेरे लिए आशीर्वाद है जी गुरु जी। नहीं जैसे मान लीजिए जैसे ये इंडिपेंडेंट बिल्डर नहीं होते हैं तो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल प्लॉट नंबर देखना है मैडम, अगर 8-4-2 आ रहा नहीं लेंगे, मना कर देंगे। न्यायखंड नीति खंड में यही होता है, पहले प्लॉट मिलता है, प्लॉट के ऊपर बिल्डर फ्लोर बनाते हैं। जी जी गुरु जी, जी जी। तो इसमें अगर 9 नंबर होगा तो प्लॉट नंबर, हेल्थ इश्यू से नहीं लेना, नहीं लेना। ठीक है गुरु जी, थोड़ा ढूंढेंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, पर 9 नंबर नहीं लेंगे। ठीक है गुरु जी। गुरु जी एक चीज और बताइए, मेरे पति का ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 है, तो उनके लिए क्या कौन सा यंत्र ठीक रहेगा? बुद्ध पायरा जो मैंने पहना हुआ है मैडम। ठीक है गुरु जी, ओके जी, ओके, थैंक यू गुरु जी। जी विशाली मैम, सर चलो अभी इतना अच्छा माहौल था, बट मुझे जो बात करनी थी सर, जो पर्सनली और सीखा ना हमने और फिर मैंने अपने जीजाजी का देखा जो अभी एक्सपायर, तो उनका पर्सनली टू चल रहा था और उनका जैसे मैंने कहा ना, उनका ड्राइवर टू कंडक्टर, ड्राइवर इज कंडक्टर टू चल रहा था, तो
मैंने देखा बहुत ही एक्यूरेटली वो मैच करा था। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया था वो सर एक ही डेट छोड़ भी एक छोड़ दो ना, अब उनको भगवान ने मुक्ति दे दी, छोड़ दो। थी वो आपने चेक कर लिया ना, एक आपने चेक कर मार्च। लिया, आपकी सेटिस्फेक्शन हो गई, खत्म करो बस। हाँ जी सर। तो वो एक स्टडी में जैसे कि मुझे नहीं वो मन हो रहा था, लेकिन आज वो खुद ब्लैंक हो गई मैं वो देख के ना शौक कि लगता है, वैशाली हाँ शौक जी लगता है, क्योंकि सारा कारण क्या है ना, हम इस विद्या को अभी तक समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जब वो विद्या के रिजल्ट हमारे सामने आए हैं तो हमें बहुत भयंकर शौक लगते हैं। सर। हाँ और आज क्या वो एक्चुअली ना मैं नहीं ये करना चाहती थी क्योंकि फिर वो हमारे क्लोज है तो किसी के लिए ऐसा हमें ये करना सभी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। बट मैं क्योंकि अगर यहाँ से आगे कोई क्लाइंट आता या किसी के भी बारे में या फ्यूचर में मुझे बताना है तो एक मेरा जो एग्जाम्पल है हमारे घर का या मैं दे सकती हूँ कि भाई नहीं ये शेयर ऐसे ऐसे करेंगे, ये रियल है कितना हमें नहीं ये शेयर करेंगे, नहीं। अपने घर का एग्जाम्पल नहीं शेयर करेंगे, वो अच्छा बाद में मजाक उड़ाएंगे। हम धीरू भाई अंबानी का शेयर कर देंगे, हम ओसामा बिन लादेन का शेयर कर देंगे, हम हरिवंश राय बच्चन का शेयर कर देंगे। ओके ओके हाँ, अपने घर का नहीं करोगे शेयर, ओके ठीक है जी? ओके सर डियर जी, जी उदय थैंक यू भाई। हाँ सर। एक क्लाइंट है सर, मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के फ्रेंड्स के हैं। उस लड़के का ड्राइवर 4 और कनेक्टर 8 है। ठीक है डियर, ठीक उसकी वाइफ का ड्राइवर 4 है और कनेक्टर 3 है, तो है डियर, उन दोनों में कुछ मैरिज इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं लाइफ डियर। इश्यू। हाँ और फिर ऐसे पता चला कि उसकी वाइफ का कुछ एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चल रहा है। ठीक ठीक है डियर, है, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन है सर? अगर वो चाहता है कि वो कुछ बिल्कुल वो सोल्यूशन हो है जाए। डियर। हनी रेमेडी दी ना मैंने आपको, हनी की रेमेडी दी ना, ओके हनी इसलिए रेमेडी। मैंने आपको हनी रेमेडी दी थी। हाँ सर क्योंकि और पायरा फायर करो ना, उनको बोलो घर में पायरा फायर करें, उनके पति को बोलो पायरा फायर करें। अच्छा क्योंकि वो लड़की वो सुनने को रेडी है नहीं और लड़का मतलब गरीब है लड़की हाँ, तो वो सुनने को रेडी नहीं होगी, अब तो जो कुछ है सोल्यूशन लड़के को ही देखना है। को दिखाना अगर उसको लगता है, अब वो क्या करे ना, उसको दो रेमेडी करवाओ, एक तो हनी वाली रेमेडी करवाओ, और अगर है। हाँ उसका वो जो बॉयफ्रेंड है उसकी हाँ फोटोग्राफ मिल जाए तो उसको नमक वाली रेमेडी करवा दो, नहीं सर ऐसा कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके साथ उसका चक्कर कितना चल रहा है, क्यों अपने आप को बस बीमार पता है। कर, तो क्यों बीमार कर रहा है यार। अगर पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट तो कर ले, हाँ इन्वेस्टिगेट किया उसने तो मतलब इन्वेस्टिगेट किया, लड़का का उसका नाम पता है, नाम तो पता है ना, पता है नाम पता है। नाम स्लिप पे लिख के वो नमक ओके ठीक वाली रेमेडी करवा दो, फोटोग्राफ को गोली मारो, है 1 मिनट सर। सैटरडे को करवा दो वो रेमेडी नमक वाली, ठीक है और सर। क्या। हाँ और एक ऐसा केस ऐसे मेरे फ्रेंड है जो दो दो दोनों भाई है मतलब ट्विंस है। एक का नाम है नितेश और एक का नाम है जितेश। ठीक है, तो उनका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 7 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और जो जितेश है उसका स्पेलिंग आ रहा है 2 पे आ रहा है ठीक है, ठीक और जो नितेश है उसका नेम स्पेलिंग आ रहा है 6 पे आ रहा है। है, तो नितेश कहता है कि मेरी लाइफ सेटल है लेकिन उसकी भाई की लाइफ सेटल नहीं है, उसके लिए हम क्या ठीक करें? है। वाइफ को, तो वाइफ की डेट ऑफ बर्थ को समझो, उसके उसको रेमेडी दो, सारे चैप्टर्स को दोबारा पढ़ो, उनकी जो सोल्यूशन देना है वो आपने देना है। हाँ सर वही कहूँगा सर। जो और उनको एक बात है कपड़े नहीं पहनने वो कपड़े मत पहनाओ, पहले अपनी रिपोर्ट बनाओ, जब आप अपनी रिपोर्ट बना लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं तो राहुल भाई को फोन करो, वो आपको सॉफ्टवेयर देंगे, सॉफ्टवेयर से पूरी रिपोर्ट बना के उन दोनों को दो। ठीक है। जी और ऐसे ही अभी मीनू में हमने कहा है कि फ्लैट नंबर हो चेक करना, तो अगर हम किसी को फ्लैट नंबर एडवाइस देना भी हो तो उसकी सिर्फ फ्लैट नंबर के लिए फीस कितनी लेना चाहिए? किसो ले लो, अभी तो आप ग्रो कर रहे हो यार, 1100 ले लो, उसका भरोसा तो जमने दो, उसका भरोसा जमेगा तो वो अपने भी 5100 दिलवाएगा अपने किसी और दोस्त से। जी ठीक है तो मतलब डियर, वो एक एक ही पॉइंट पर कितना ले सकते हैं, कितना आपका कम ड्राइवर करेंगे कंडक्टर क्या है, इसका सर? आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? 5 और 9 है सर। हाँ तो बिल्कुल, आप 5000 रुपये आने वाले टाइम में फीस लो, उसको बोलो मेरी फीस 5000 है, बट तेरे लिए मैं 2500 ले लूंगा,
2507 पे आता है, आपका दोस्त है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके जी श्रीवास्तव भाई। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर। सर मेरा को आज एक क्लाइंट आया सर, फर्स्ट क्लाइंट है मेरा, और उससे फीस भी लिया मैंने। बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू, बट उतना ज्यादा नहीं, 501 रुपीस ही लिया मैंने। बात नहीं, शो मस्ट गो ऑन। यस सर, यस सर। तो हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है आज। यस सर, यस सर, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू सर। जी तो मैंने हाथ से ही करके पूरा चार्ट बना के रेमेडीज डाल के पूरा दे दिया सर, मेरे हाथ से ही। So, एक बार मैं वो रिपीट करेगा सर, वो करेक्ट दिया या नहीं करके आप ग्रुप में डाल दो, आप ग्रुप में डाल दो, सब बच्चे देख लेंगे। हाँ सर, हाँ सर, ओके श्योर सब सर, बच्चे अभी अब देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, वो करेक्ट है कि नहीं है, अब उसको कही हुई बात को हम वापस नहीं लेंगे। या तो आप पहले रुक जाते, अब आपने जो दिया है समझो वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अब बात पे क्वेश्चन नहीं करना। ओके ओके सर, आप ग्रुप में डालो, सब बच्चे चेक करेंगे, उसका जो भी रिव्यूज होगा आपको वहां मिल जाएगा। जरूर सर, कॉन्फिडेंस रखना यार, कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर तुम्हारे जीरो है तो सामने वाला माइनस है। माइनस है, करेक्ट। तुम अगर कह रहे हो मैं जीरो पे हूं तो सामने वाला को कुछ भी नहीं पता। हाँ सर, करेक्ट। जब भी रिपोर्ट दो हमेशा उसको रिकनसाइल करो। इसलिए कह रहा हूं कि पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, कॉन्फिडेंट बनोगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। जरूर सर, श्योर श्योर, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। हाँ बताओ बताओ। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सो दोनों वाइफ और हस्बैंड में सिक्स नहीं है तो ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा सर, श्योर वेडिंग पर? हनी हनी रेमेडी। हाँ बट प्रॉब्लम तो हो जाएगा जरूर। प्रॉब्लम्स हो जाएगा मतलब? आई मीन मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगा क्या सर? प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हर घर में है। हाँ हाँ हाँ। प्रॉब्लम का कारण क्या है आपको पता है? प्रॉब्लम का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। कभी कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अमिताभ बच्चन की बीवी का खत्म नहीं हुआ, मोदी जी ने इसलिए बीवी छोड़ दी अपनी। ओके, इसका तरीका तो ये, अभी तुम छोड़ दो नहीं तो फिर साथ साथ रहो। करेक्ट 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 सर। भाई रेमेडीज क्या है? रेमेडीज एक अम्ब्रेला है कि आप और मैं इस घर की छत के नीचे रहे और प्यार व्यवहार से रहे। करेक्ट करेक्ट सर। और एक फाइनल क्वेश्चन है सर, मेरा 8 and 6 है सर जी, और 5 मिसिंग है, सो मैं बुध पैरा लेने के प्लान कर रहा हूँ, पर तो अभी आपने जयश्री मैम को बताया 3-6 आया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अफेयर हो जाएगा करके। आपका ड्राइवर कंडक्टर 8-6 है ना? 8 and 6 सर। हाँ तो और आपको, चार्ट में आपको बुध पैरा ही मिलेगा डियर, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, ना तो बृहस्पति ले सकते हो ना आप सूर्य ले सकते हो। करेक्ट सर, करेक्ट। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना सर बुध पैरा से? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं अफेयर करना ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है सर, न्यू थॉट्स नहीं होना चाहिए मेरे को। इसलिए कह रहा हूं तुम्हें अपने दिमाग को ब्लॉक नहीं करना ना। यस सर, वो सारी कहानी है। ओके थैंक यू सर। बेटे के पास ऑप्शन थी इसलिए मैंने उनको ऑप्शन दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है डियर। नहीं है सर, सर थैंक यू सर। एंड वन मोर थिंग, आई वांटेड टू थैंक यू फॉर द क्लास व्हाट यू हैव गिवन अस एंड द नॉलेज व्हाट यू हैव शेयर्ड टू अस सर। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। मैंने खुद अपना 200% दिया है ताकि आप लोग समझ सको ये कितनी अच्छी साइंस है और कितने वैल्यूएबल साइंस है। यस सर। जितने टेस्टिमोनियल लोगे अपने लिए, अपनी पीठ दबाओ कि आपने दुनिया को रिजल्ट देना सीख लिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू डियर। जी राकेश भाई बताओ। सर एक अपने ये पासवर्ड वगैरह का, अपना जो पिन नंबर वगैरह का किया था ना चैप्टर, जैसे कि 156 पे लेके जाना है, तो वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके फ्रेंडली नंबर है कि नहीं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे मानो किसी का ड्राइवर 3 कंडक्टर 9 है तो उसको हमने 1166 दे दिया, अब 6 तो उसका दुश्मन है। मानो ड्राइवर 3 है कंडक्टर 8 है, 5 पे लाना है तो 1 भी दुश्मन है 6, तो वरना वो आशीर्वाद कहां से ले 1 और 6 का। इसीलिए ये सब्स्टिट्यूट दिया कि टोटल क्या आ रहा है, टोटल 5 पे आ रहा है। क्लियर? यस यस। जी जय श्री मैम। हाँ सर, ये जो आप हमें मिल रहा है ना, ये तो एनर्जाइज्ड करके ही मिल रहा है ना, जो यंत्र है। ऐसे जो भी प्रोडक्ट आता है एनर्जाइज्ड किए बिना नहीं, हमें दोबारा तो कुछ करना नहीं है। नहीं, आप फिश पिरामिड मंगवाना चाहो मंगवाओ, मान लो आपने 5 हमारे से यंत्र मंगवाए और आपके नहीं बिके, तो उसको विश पिरामिड में छोड़ दो,
वो अपने और एनर्जाइज होते रहेंगे। लेकिन आपने जो पहना, जैसे मैंने ये पहना है, अब ये एनर्जाइज होके मुझे मिल गया, मैंने पहन लिया। ठीक है। और सर ये जो डेज है, सूर्य वाला संडे को या वेडनेसडे को? संडे को मैम सूर्य बुध है तो जरूर वेडनेसडे को भी पहना दो। बुध बुध काम शुद्ध तो होता ही बहुत बढ़िया है। जो पहले आ जाए संडे, आ जाए संडे हाँ बना लो। हाँ जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, बिल्कुल जो पहले आ जाए वही सारी बात है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। जी मनीषा मैम, अनम्यूट करें मनीषा मैम। एक गुरु जी, एक चीज बताइए मुझे, जी अपनी मैम। मतलब से मेरे पास एक दो दो तीन क्लाइंट आए हैं, तो मुझे अपनी क्या रखनी चाहिए अभी फिलहाल? क्या ड्राइवर कंडक्टर है मैडम आपका, 1 और 3 है गुरु जी। बताओ मेरी प्रीति मैडम क्या फीस रखे हैं मैडम। सर मैं 15,000 रुपये लेती हूँ पर पर्सन, और बहुत प्यार से लोग देते हैं, देते हैं और हाथ बहुत जोड़ के प्यार से। देके जाते सबसे हैं। पहले तो सर थैंक यू सो मच, मेरे लिए तो आप भगवान हो। नहीं, और भाई मैं भाई के जब से समान हूँ, जुड़ी मैं हूँ, भाई के समान हूँ, मैं कोई गॉड नहीं हूँ मैम। सिर्फ इतना फर्क नहीं है सर, आपने जो मैंने सिखाया ना, आपने जो सिखाया वो जेन्युइनली सर, नॉट ओनली फॉर अर्निंग, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और आज बड़े बड़े लोग झुक के सलाम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। पैसा तो चलो ठीक है, चाहिए हमको, आएगा ही लेकिन आएगा, बहुत आएगा रिस्पेक्ट ही मिलता आएगा, है वो सर। कहीं नहीं जाएगा, वो आएगा ही आएगा। हाँ हक से। और प्लस ये तो सिर्फ मैं कंसल्टेशन चार्जेस लेती हूँ, प्लस लोग जो ब्रेसलेट्स बनवाते हैं, या और भी मैंने सर से डाउजिंग सीखा, तो मुझे सबसे पहले आंसर्स मिल जाता है कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, क्लाइंट को मिलता है, तो फिर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लोग देते हैं और जेन्युइनली खुश होके देते हैं सर। पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरे को लगा कि मनीषा मैडम का जवाब आप ही दोगे, तो मनीषा मैडम आपका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 3 है। आपको अपनी फीस रखनी है 5,000 रुपये। ठीक है गुरु जी, फिगर्स आ जाए, क्योंकि 6 आपका दुश्मन है, तभी 5,100 नहीं कह रहा हूँ, 5,000। जी फिर आपकी मर्जी है कितना आपको लेना है। ठीक ठीक है गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक है, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। यू। तो हम स्वागत करते हैं प्रीति भट्ट मैडम का। प्रीति भट्ट मैडम मेरी स्टूडेंट है, और 2.5 साल हो गए या 2 साल हो गए, चलो 3 साल हुए सर, आई थिंक 21 में अप्रैल बैच में मैं थी। जी, तो 3 साल हो गए मैडम को मुझसे सीखे हुए और इस विद्या को अपने दिल में बसाए हुए। अब थोड़ा यस बताओ प्रीति मैम, आप क्या हो, क्या करते हो और क्यों आप इस विद्या के साथ जुड़े। जय जी, नमस्कार एवरीवन। सबसे पहले जय गुरु जी सबको, और के सबके सामने सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उनसे जब से जुड़ी तब से लाइफ एकदम चेंज हो गई। काफी सक्सेस हमने देखी, मेहनत तो मैं पहले से करती थी, लेकिन उस मेहनत का जो रिजल्ट मुझे मिला वो सर से जुड़ने के बाद मिला। मेरे खुद के लिए भी और मेरे क्लाइंट्स भी आज काफी हैप्पी है, और मैं हक से 15,000 रुपीज पर हेड चार्ज लेती हूँ सबसे, प्लस और प्यार से सर। आज महीने की 1 से 1.5 लाख की प्रैक्टिस है मिनिमम, क्या और वो भी सर सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि घर से मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और इसके साथ मेरा ओरिजिनल जो बिजनेस है, मैं मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्लस ब्यूटिक है, तो वहां से भी मुझे काफी क्लाइंट मिले, और उसमें भी मैंने काफी ग्रोथ किया। काफी ये सब रेमेडीज पार्टनर से करवाई, मैंने खुद की क्लाइंट को करवाई, तो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल तो मैं ही हो रही मेरे अपने आप के लिए कि मैंने खुद पहले बेनिफिट लिया, फिर लोगों को वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, तो आज वो सक्सेस मैंने देखी, मैं फील कर रही हूँ। तो सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और विदाउट एनी इंटेंशन सर आपने जो सबसे पहले, एक्चुअली मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि लोग ऐसे यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे दिखता है, तो मैंने भी सर की वीडियोस काफी मैं उनकी देखती थी, लेकिन एक बार मैंने कॉल कर लिया नून टाइम में सर को, और मैंने बोला कि मुझे सर से बात करनी है, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, अगर वो सही आंसर देता है तो फिर मैं सोचूंगी क्लास करूं कि नहीं। और मेरा लक अच्छा था उस दिन के सर अवेलेबल थे, और सर ने बात की मुझसे, और मैंने सर आपको पूछा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, आप प्लीज मेरे बारे में कुछ बताओ तो मैं फिर आप आगे कुछ सोचू, और सर ने 2 या 3 बातें ऐसी बताई कि मैं लिटरली रो पड़ी थी कि ये आपको कैसे पता सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। तो ये जो सर आपने सिखाया है ना, डेट ऑफ बर्थ से हम जो 70-80% तो हम खड़े खड़े प्रिडक्शन दे देते हैं, देते फिर उसका पूरा डिटेल स्टडी करके जो हम क्लासेस में सीखते हैं कि उसके कौन से एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, कौन सी लाइंस उसकी कंप्लीट होती है, क्या मिसिंग है, उस पर से उसकी लाइफ में डीप में हम जाते हैं, तो वो सैल्यूट है सर आपको, वो नॉलेज कभी कोई और नहीं सिखाता है।
तो फाइनेंशियली तो मेरा ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत मिल रहा है, फैमिली में भी बहुत मिल रहा है सर। तो ये मिरेकल है। थोड़ा बताओ बच्चों को कि कैसे कैसे आपने कुआ नंबर बांटा या क्या क्या सक्सेस स्टोरी जो एक दो कुआ नंबर में आप। तो सर ऐसा है कि अभी हमारा एक भी एम्प्लॉय या हमसे जुड़ा हुआ एक भी बंदा जिसके हाथ में कुआ नंबर ना हो वैसा है नहीं, ये कोड हो गया है। और बहुत सारे लोगों को हमने बोला कि ये कुआ नंबर से तो मिरेकल्स होते हैं, और लिटरल लोग सर ऐसा बोलते हैं कि काम काफी स्मूथ हो जाते हैं। जो टफ होते हैं या मुश्किल जहां पे आती थी, जो जैसे ही कुआ नंबर अप्लाई करके जाते हैं तो वो काम काफी स्मूथ हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेबल है। दूसरा आपने कुछ नंबर सोर्स भी, और सर दूसरा एक खास बताऊं कि आपके जितने भी वेबिनार्स आते हैं आपके प्लेटफॉर्म से, जो भी डाउजिंग है या वैदिक न्यूमरोलॉजी है, वहां से भी जो टिप्स और रेमेडीज मिलती है सर, उतनी ही अगर लोग कर लेना तो भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी को। मैंने तो मैं आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस रात को 1 बजे भी मैं देख के फिर ही सोती हूँ, क्योंकि उसमें से भी बहुत कुछ मिलता है। आप पूरा भंडार हो ज्ञान का सर, और आपके माध्यम से जितने भी गुरुज मिले, लाइक विजय दुबे सर, ही इज एक्सलेंट। तो जैसे वो सूर्या मैम भी थी मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मैंने की अभी भी वो मैम मेडिकल न्यूमरोलॉजी, तो उनको भी सुन के इतनी सारी टिप मिलती है। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता है उन लोगों को भी सर आप लोगों के टिप से बहुत फायदा है। तो बिल्कुल ये चीज बिल्कुल है। और कुआ नंबर से तो ये दिस इज एक्चुअली एंजल नंबर, और वो एंजल जैसे हमारे साथ होता है, और हमारे जो हमने सोचे नहीं वो काम होने लगता है सर वेरी ट्रू। हर जगह पे। क्योंकि ये एक बड़ी बात है। उसको ब्लेस करके समझ में आया कि भैया कुआ नंबर को अपना एक अच्छा फ्रेंड बनाओ। ये मैं सोचो ड्राइवर 8 है तो मेरा कुआं नंबर 2 आ गया या 1 आ गया या 4 आ गया या 8 आ गया 9 आ गया वो मेरा दुश्मन है। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लेस भी करके भेजा है, वो एंजल नंबर है, वो आपकी हर समय हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर राम स्तुति हनुमान चालीसा लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, और उससे हर जगह एक प्रोटेक्शन मिलता है हर जगह। और ये हमने इतना, ये जितना हो सके उतना लोगों में बांटा है, जो क्लाइंट है उनको भी, जो नहीं है उनको भी। तो वो लोग भी आज फीडबैक देता है कि नहीं पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो ये चीज भी सर आप हर जगह पे बोलते हो कि एटलीस्ट 3 दफा राम स्तुति, 3 दफा हनुमान चालीसा, इसको एक नियम बना लो लाइफ में, और ये एंजल बिल्कुल नंबर लिखो। ये इतना बेसिक करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ते खुलेंगे सर। क्योंकि भगवान राम और भगवान हनुमान दोनों ही आपकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार खड़े हैं। आपको खुद से जुड़ना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक मेन जो आप सिखाते हो पर्सनल ईयर रिडक्शंस, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमको काम करना है आगे, कौन सी जगह पे होल्ड पे चले जाना है। जैसे पर्सनल ईयर 8 या 9 गए और वो भी एंटी है, तो वहां पे रुको, लो प्रोफाइल हो जाओ। ये सब जो सीखा ना, जो कभी कोई नहीं सिखाता सर, लाखों रुपए देके लोग नहीं सिखाते ये सब चीजें, ना हमने कभी सुना है। तो और हमने खुद भी ये सब चीजें अप्लाई की, और मैंने मेरे पर्सनल ईयर 7 में मैं आपसे जुड़ी, मतलब मुझे नॉलेज मिला, मैंने आपसे सीखा, और बिल्कुल अभी भी इतना वो सब चीजें काम आती है। क्लाइंट को भी जब बताता है कि भाई अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, पर्सनल ईयर ये है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और वो चीजें सब होती है ना लोगों के साथ, तो आके पैर पकड़ लेते हैं सर लोग। तो जेन्युइनली मेरे साथ ये सब चीजें हुई कि बड़े बड़े लोगों ने, एक पॉलिटिशियन है, मैं शायद नाम बताऊंगी आप सब जानते हो, उसने लिटरली मेरे पैर पकड़ लिए थे कि मैडम आप एकदम सही बताते हो। तो जी। बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं हमारे पास सही विद्या है। बिल्कुल कोई शक शुबा है ही नहीं प्रीति मैम कि ये विद्या के अंदर कोई डाउट है। कमी अगर होगी तो बिल्कुल हम में होगी कि हम उसको सही बात आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। है, सही बात है। भगवान ने बहुत सोच समझ के हम सबको ब्लेस किया कि हम इस विद्या से जुड़े, लेकिन जब हम पहले में जुड़ते हैं तो हमारे को क्या पड़ा होता है कि हम अपने बारे में जान लें। क्योंकि तो मैं बार हाँ बार कहता हूं कि मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो ना, 3 साल पहले तो आपने नहीं सोचा होगा कि भैया मैं हर एक से 15,000 पे कंसल्टेशन लूंगी, आज बिल्कुल। अगर लाख सर मैंने डेढ़ हमेशा आपसे भी जब सीखा ना, तब हमेशा मैंने, क्योंकि वो टाइम से ही मैं काफी इंटरेस्टेड थी, तो मैंने सिर्फ मेरी बच्ची या मेरे भाई या मम्मी के बारे में, मैंने ओवरऑल बहुत प्रैक्टिस की सर, मैंने बहुत प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस से आज ये रिजल्ट आया कि आज मैं हक से इतने पैसे लेती हूँ, और अभी अगर मैं 25,000 भी मांगूंगी तो मुझे क्लाइंट मना नहीं करेंगे, मुझे पता है सर। हाथ जोड़ के देखे जाएगा, कह रहा मैडम मेरा उद्धार करो। हाँ वो मेन सही है चीज सर, होता है।
ग्रेट ग्रेट, और रेफरेंस से सर आज मेरे गूगल रिव्यू आप देखोगे ना तो लोग इतनी तारीफ करते हैं और गूगल रिव्यू से इतने कॉल्स मुझे आते हैं तो मैडम हमने गूगल में आपके बारे में पढ़ा। और दूसरा सर मैंने आपके ही मार्गदर्शन से मेरे सरनेम में सिर्फ एक एच ऐड किया है, मैं 37 के वन पे लेके गई मेरे नाम को और फिर जो ब्लेसिंग स्टार्ट हुए आने मतलब ये सब आपसे ही सीखा है तो खुद तो बेनिफिट लिया लोग भी आज और सर आपको भी लोग बहुत ब्लेसिंग देते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल, मेरे क्लाइंट के आपके गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद के आप, और एक तो लोग ऐसे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं मैंने उनको भी डिटेल दिया है कि हाँ आप सीखो करो काम आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि देखो आप दिल से देने वाले बनो, ऊपर वाला आपके लिए मल्टीप्लायर है पता नहीं कितने रास्ते खोल देगा। सही है, आप दिल से तो जुड़ने वाली बात तो करो पहले। बिल्कुल, आपने सर एक ही जो सेंटेंस बोला था ना, या तो इश्क है या तो इश्क नहीं है, या तो इश्क तो होता है या इश्क नहीं होता किया न्यूमरोलॉजी को। हाँ। और रास्ते खुले सर, काफी रास्ते खुले। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको दिल से सीखा और इम्प्लीमेंट किया और ऊपर वाले ने बिल्कुल आपको ब्लेस करके भेजा है। बिल्कुल, आप ऐसे बात करना चाहेगा प्रीति मैडम से तो आप मुझे बताएं, अपने हैंड रेस करें, मैं प्रीति मैम को करता हूं उसके ऊपर कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी है तो प्रीति मैडम से आप बात कर सकते हैं। फिर हम बबीता मैडम से बात करेंगे, बबीता मैडम भी आ गई है, मेरी वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट है बबीता मैम भी। जी राकेश भाई, सर इनका टेस्टिमोनियल श्योर है, एकदम पक्का है, क्योंकि ये कुआ नंबर मैं लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मेरे लाइफ में, मैंने जिसको भी बताया सही कि मैंने तो आपसे ज्ञान लिया था तभी कोर्स भी नहीं किया था, मैंने जिसको भी मेरे इनर सर्कल को बताया सबको फायदा हो रहा है इससे, और मैंने आपको शेयर भी किया कोर्स के ड्यूरेशन में कि मेरे लाइफ में कितने जो काम रुके हुए थे मेरे, जैसे कि ऑर्डर आ गया है पैसा नहीं दे रहा था पिछले मीन्स पेमेंट नहीं आ रहा था, उसके कारण बहुत नामचीन आदमी है मुक्ता आर्ट्स, नाम सुना होगा सुभाष गाय का, सुभाष का, तो उनका भी चालू हो गया क्योंकि 20 लाख का ऑर्डर भेजना है पर अभी 2-3 थिएटर चालू हुआ है था, काफी चालू हुआ है था। और रियली जब से मैंने ये कोर्स किया है सर, मैं तभी से मेरे लाइफ में 360 डिग्री चेंज आ गया सर। मैं एक तो मैं रियली मैं बोलूंगा कि जो मन की शांति प्लस जो जज्बा है कि कुछ करना है प्लस मैं आपके लाइफ से भी इंस्पिरेशन लेता हूँ, जब भी आप बताते हो जो इंसिडेंट 2-3 जो नहीं बोलना चाहिए मुझे पर उसे मैं भी गुजर चुका हूँ और लगता है कि फाइटिंग फाइट करना चाहिए सर। यस डियर, और रसना तो निकला दो वाले, आप दो वाले में 8 वाला तो हारने का मतलब लिखा ही नहीं हुआ हमारी लाइफ में। हाँ तो ये है, और डेफिनेटली प्रीति मैम ने भी अच्छा काम किया है तभी रिजल्ट आया उनको, पर एक एक बात में सच्चाई है इसमें कोई भी ये नहीं है, और रियली आने आने वाले वक्त में शायद हम भी ये प्लेटफॉर्म पे आके कुछ टेस्टिमोनियल दे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने दिल से प्रैक्टिस कर ली और सीखा, और मैंने मैंने बोला ना सर हमेशा से क्लासेस में भी सीखा था कि आप प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो, और वो इतने सारे हमने लोशु ग्रिड बनाए, इतने सारे लोगों के ऊपर प्रैक्टिस किया, सबको रेमेडीज दी जो सर ने सर, और सिर्फ क्लास में जो रेमेडी सीखी है ना उन्हीं से 90% रिजल्ट आना शुरू हो गया। लाइक सर हमने कितने लोगों को अमेरिका कनाडा भेज दिया सर। और सर और एक सर ये जो प्लेटफॉर्म पे जी आपके शायद कनेक्शन कट आपकी, हाँ राकेश भाई ये जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत से दूसरे अलग अलग ये आते हैं डिफरेंट क्लासेस उसके जितने फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छे हैं सर, उसमें से मैंने दीपा मैम का किया शी इज सुपर्ब, आईपी सिंह का प्रया प्रोनोलॉजी चल रहा है बहुत अच्छा है सर, उन्होंने मेरे लाइफ में जो चेंज लाना था, सॉरी आई विल टेक 1 मिनट, जो चेंज लाना था मेरे में, मैं आई वॉज वेरी एग्रेसिव और मेरा बहुत दिमाग गर्म रहता था एकदम, तो उसमें मेरा पूरा उन्होंने बोला कि तू 20 डेज के लिए छोड़ डाल गुस्सा, तो 10-15 दिन तो हो गया मैं छोड़ दिया है, एंड आई एम फाइंडिंग अ न्यू राकेश इन माई सेल्फ एंड माई फैमिली एंड माई मदर प्लस एंड माई वाइफ शी इज वेरी हैप्पी दिस थिंग, कि जो मैं कर नहीं सका मेरे आज 53 ईयर्स का हो जाऊंगा अभी मैं दिवाली में दिस अक्टूबर, मैं कर नहीं सका जिंदगी भर, मेरे को लगा छोड़ नहीं सकता, वो मैंने छोड़ दिया था, तो डेफिनेटली आप सिखाते तो प्लस आप अच्छा इंसान बनाते हो, मीन्स ये जैसा अच्छा रहना चाहिए तो ऐसा वो कोई कोई कराता नहीं, बाकी सब पैसे लेते हैं कोर्स करा दिया मटेरियल दे दिया तू जा तेरे घर पे मैं मेरे घर पे ऐसा आप हाथ पकड़ के चलते हो और वो आईपी सिंह सर नहीं डियर मैं कह रहा हूँ ना वो 9 साल पहले पढ़ाया हुआ बच्चा आज भी मेरे साथ है
रियली आपका जितने भी है, मैंने भी सुबह ज्वाइन किया है मेडिटेशन का, वो भी सोच रहा था मैं करूं करूं, जैसे कि विकास ने बोला विकास भी है उसमें, तो तुरंत ही आ गया, तुरंत पैसा भर के कर लिया, मतलब जितना बेनिफिट मिलता है करना है अभी ये टाइम तो पूरा। फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे में मेरा पूरा दिमाग में ब्लॉकेज था ना, जो पहले होगा ऐसा शायद, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, बहुत एक बड़ा मिरेकल है, मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने सर, जी 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 ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। ऑलवेज वेलकम भैया, ऑलवेज वेलकम। चलो पहले बबीता मैडम से बात करते हैं। बबीता मैडम भी मेरी ओल्ड स्टूडेंट हैं और बहुत बहुत मोटिवेटेड लेडी हैं, बहुत इन्होंने भी लाइफ में हर्डल्स देखी और सक्सेस स्टोरी भी इनके मुंह से सुनेंगे। जय गुरु जी बबीता मैम, जय गुरु जय जी। गुरु जी। सर सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, लाउड एंड क्लियर। जय गुरु जी क्लास सबको, जय गुरु जी। जय गुरु जी। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, न्यूमोलॉजी से मेरा खुद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं मतलब एज ए प्रोफेशन इसको करती हूँ, और अपने क्लाइंट्स को भी जो जो बताती हूँ उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और मैं सही में तब सर को थैंक्स बोलती हूँ कि इस लायक बनाया कि हम किसी का भला कर सकते हैं और किसी को सही गाइडेंस दे सकते हैं। मतलब जो जो भी सर बताते हैं वो सही में सीरियसली आप अगर उसको करते हैं तो आपको सबको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का। मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, उससे मुझे जी बहुत फर्क पड़ा। अकाउंट नंबर चेंज किया, उससे बहुत फर्क पड़ा। मतलब जी अकाउंट बैलेंस सचमुच बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल और सही में मतलब जो जो भी वो रेमेडीज बताते हैं बहुत इफेक्टिव है। आप सब भी करके देखो, ट्रस्ट के साथ करो। ये तो बिल्कुल फॉर श्योर है कि अगर आप किसी भी चीज को ट्रस्ट के साथ करते हो तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलते डेफिनेटली मिलेगा मिलेगा, बस सर हैं, ये क्योंकि अगर है। आप पत्थर को भी पूछते हो तो उसमें भी भगवान मिलते ही हैं आप। ये चीज बिल्कुल तो है ही। दिल से आपको जुड़ना पड़ेगा। आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है बबीता मैम? 1 एंड 7 धोखे ओके, तो क्या समझ में आया कितने धोखे मिले? तो बहुत मिले, यही और अभी है पर्सनल ईयर में 7 स्टार्ट हुआ है। ओके ओके ओके, तो बस थोड़ी सेहत का ध्यान रखो मैडम, हाँ जी। सेहत का ध्यान रखो। और मैंने मतलब सही में जब सर ने सबसे फर्स्ट ये जूम पे पढ़ाया था न्यूमरोलॉजी, मैंने तब किया था, और उस टाइम पे मैं बहुत हेल्थ मेजर हेल्थ इश्यूज से वो सरवाइव कर रही थी, लेकिन फिर गुजर भी मैंने किया उस टाइम पीरियड में। मतलब मुझे ब्रेस्ट कैंसर था उस टाइम पे, तब मैंने ये सीखा था जूम पे, और लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं उसको कंटिन्यू किया, प्रैक्टिस की, प्रोफेशनली भी करती रही, और जितना भी मेरा ये ट्रीटमेंट का टाइम था उस टाइम पीरियड पे भी मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, मैं जी सब अपना काम मैंने कंटिन्यू रखा, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, और इस काम ने भी मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, और मैं आज आपके सामने। बहुत बड़ी बबीता मैम, बहुत बढ़िया। कोई टेस्टिमोनियल जो भी आपको ध्यान आ रहा हो, किसी का ऐसे स्पेशल भला कर दिया हो आपने इसकी रेमेडी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, नेम की वाइब्रेशन के थ्रू, कोई भी आपके जहन में आ रहा हो? जैसे मैंने मोबाइल नंबर चेंज करवाए हैं अपने क्लाइंट्स के, तो उनको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, उनके अंदर चेंजेस आए हैं काफी जी कुछ। हाँ मतलब अकाउंट नंबर चेंज करा है, मोबाइल नंबर चेंज किया है, नेम न्यूमरोलॉजी करी है। एक पर्सन है जो कि मतलब आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते थे, मतलब वो किसी चीज को मानते नहीं थे, बट वो मेरे पास आए, उनको मैंने नेम नंबर और मोबाइल नंबर ये सब चेंज करवाया। उन वो ये सोचे थे कि अपना घर बेच के यहाँ से फिर वो आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, लेकिन जो उनको मैंने रेमेडीज दी उन्होंने वो उस सबको सीरियसली और ट्रस्ट के साथ किया, और उनकी वाइफ का मुझे फोन आया जाने के 1 हफ्ते बाद कि जो वो आपने रेमेडीज दी उसको करने के बाद में पता हमें खुद से किसी नियर डियर का कॉल आया कि आपको जितनी पैसों की जरूरत है मैं हेल्प कर देता हूँ, आप क्या घर मत बात, बेचो। तो क्या बात, ये फायदा हुआ। यही कह रहा हूं कि देखो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है एक छोटी सी विद्या लेके। 23 दिन का एक कोर्स है और आप इसको दिल से समझो तो ये पता नहीं कितने कुछ आपके लिए लाइफ में आने वाले टाइम में रास्ते खोल देगा। एक बार मीनू मैडम बात करना और चाहती सर की ये हैं। बहुत अच्छी बात है, आप जब भी उनसे कुछ भी पूछोगे वो हमेशा रिप्लाई करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करेंगे, हमेशा वो हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ये उनकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। जी जय श्री मैम, बताएं किसके क्वेश्चन है आपका, प्रीति मैडम से क्वेश्चन नहीं है, बबीता क्वेश्चन नहीं है, जो बबीता मैम के जो जज्बा है उसके लिए प्रणाम, मैडम? उनको नमन नमन जिन्होंने इतना स्ट्रेंथ दिया,
जो आपका स्टोरी हमने सुना है, मतलब इट्स रियली अमेजिंग. यू आर रियली यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द लेडीज टू हैव दैट यस करेज एंड टू मूव अहेड इन लाइफ विद गाइडेंस ऑफ गुरु. तो आप दोनों, प्रीति मैम और आपका, दोनों का सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और सर मैं एक चीज और बताऊंगी, टेस्टिमोनियल की अगर हम बात कर रहे हैं, मैम की तरह मेरी एक क्लाइंट है, उनको सडनली 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिक्लेयर हो गया था और उनकी एज थी 62. और मैंने उनको वो काऊ वाली रेमेडी स्टार्ट करवाई, आलू, कच्चे आलू वाली. और आज आप मानोगे नहीं, उनकी डॉक्टर कंफ्यूज है कि क्या मिरेकल हो गया. उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने लगे हैं. लगभग 2 ढाई साल से वो ये रेमेडी कर रही है और वो साष्टांग नमन करती है कि प्रीति जेन्यूनली उनकी डॉक्टर जो है कैंसर की, वो भी बोलते कि आपने क्या किया है. क्या किया? दूसरा एक ये आलू वाली रेमेडी, एक 10th क्लास की स्टूडेंट थी और उसको गर्भाशय में थोड़ा सा गांठ जैसा दिखा था और उसकी मम्मी, उसकी पूरी फैमिली मेरी क्लाइंट है सर. और ये बच्ची को भी पता था कि मम्मी मैडम को फॉलो करती है, तो उसके लिए कॉल आया, मैंने ये रेमेडी करवाई और हाल की तारीख में सोनोग्राफी में भी सब नॉर्मल आया. और डॉक्टर्स पूछते कि वो गांठ कहाँ गई, कहाँ गई? 8 mm की वो पूरी शिस्त थी. मतलब डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है सर. और आज मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट डॉक्टर्स हैं जो अपने बच्चों का नाम मुझसे रखवाते हैं सर. और मैं उसमें एक चीज बताती हूँ कि मैं एक या दो सिर्फ मैं पूरा एनालिसिस करके मोबाइल नंबर चेंज करवाती हूँ, नेम स्पेलिंग करेक्शन करती हूँ, प्लस जो मिसिंग नंबर है उसके लिए मैं ब्रेसलेट्स भी पहनाती हूँ जो भी अपने वहां से ही आता है, कीर्ति जी से मैं कनेक्टेड हूँ. और वो भी इतने प्योर है सर कि लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि मैडम आपके ब्रेसलेट पहनने के बाद विद इन 3 डेज उसका रिजल्ट हमको फील होता है. और लोग वो ब्रेसलेट निकालने को रेडी नहीं, अगर वो टूटता है तो इमीडिएटली ऑर्डर आता है कि आप प्लीज दूसरे मंगवाओ. तो रिप्लेस जो एक बार जुड़ा वो हमसे ही फिर जुड़ा रहता है, वो कहीं और नहीं जाता है सर. पक्की बात है, विश्वास करो तो पूरा करो वरना मत करो। सही है सबसे सर. बड़ी बात ये है कि आपने भी दिल से उनको आशीर्वाद दिया, उनके काम बने तो वो क्यों थैंक्स करें। कितने लोगों को सर जॉब मिली, कितने लोग फॉरेन चले गए, कितने लोगों के हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए. तो ये सब चीजें सर नॉर्मल नहीं है, कोई नहीं, नहीं नॉर्मल अगर बंदा नहीं कर नॉर्मल सकता ये होती चीज. तो फिर हमारी जरूरत क्या थी? बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये ना, तभी तो गुरु जी ने हमें चूज किया कि तुम भला करने वाले तो बनो, क्योंकि मैंने तुम्हें चूज किया है। तुम अगर दुनिया का भला करोगे तुम्हारा भला मैं अपने आप कर दूंगा। वरना कभी सोचा सही है था मैडम कि एडिशनल इनकम 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए इससे आए, कभी सोचा था? सर, बिल्कुल नहीं सोचा था सर. और सर मुझे तो आज सच बताऊं, पैसे से भी ज्यादा जो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है ना समाज में, कोई मेरी कीमत ही नहीं फैमिली है। में, ये अनबिलीवेबल है. ऐसा बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है और हमको सुकून कितना मिलता है. आज कोई आके रोक के बोलता है कि मेरा काम हो गया, शादी हो गई, या हमको जॉब मिल गई, या किसी को सर 1 रुपए का जॉब ना हो कोविड के बाद और 50-60 हजार उसकी मंथली इनकम हो जाए हमारी रेमिडीज से, तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती सर. नहीं हो सकती, कितना थैंक्स गिविंग आएगा उस फैमिली से। हाँ. और सर वो जैसे एक बंदे ने कंसल्टेशन लिया, फिर विद इन अ मंथ उनकी मम्मी आएंगी, पापा आएंगे, उनके ब्रदर, उनके फ्रेंड सर्कल. और सर आप मानोगे मेरे नॉट ओनली इन इंडिया, मुझे यूएस कह रहे, मुझे सर पाकिस्तान से फोन आया था. आया था, बिल्कुल आया होगा। हाँ. और मैं पैसे ट्रांजेक्शन नहीं ले सकती थी, तो फिर मैंने उनको डोनेशन करवाया कि आप इतने अमाउंट का डोनेट करो, मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भेजो, वो मेरी कंसल्टेशन है. तो ऐसे भी सर कॉल आए, मुस्लिम मेरे इतने फॉलोअर है बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है। सब और ये सब आपकी वजह से है सर. तो जेन्यूनली थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी सो का मच. आशीर्वाद है, क्योंकि आप सब लोगों ने उसको ठीक ढंग से सीखा पहले और फिर उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। चाहे आप हो, चाहे अमिता मैडम हो, चाहे मिहिर भाई है हमारे साथ, तो सबकी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत बड़े हर्डल, मेरी खुद की लाइफ में हर्डल्स थे, बस सिर्फ विश्वास के साथ जोड़ के काम करा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल. जी जय श्री मैम, कुछ और कहना चाहेंगे आप? कोई एक चीज बोलनी है कि जी मैम। काफी टाइम से आपको जब पता होगा, जब मैं सबसे पहले क्लास में आई थी मैंने एक बात बोली थी, मेरे को सीखना किसी और से था हाँ लेकिन कुदरत ने सिखाया किसी और से. गुरु मैं किसी और को चाह रही थी, भगवान ने कहा नहीं, गुरु तो इनके पास जाना है. तो ना ये भी एक बात होती है कि बहुत टाइम से आपको पता है, मैं 18 साल से सीखने वाली बंदी, सीखते 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 सीखा ही नहीं, तो जी जी टाइम अभी आया मेरे बिल्कुल सीखने टाइम अभी का. आया। थैंक यू जयश्री मैम, थैंक यू। जी वैशाली मैम क्या कहना चाह रहे हैं?
आज अच्छा लगा प्रीति मैम और बबीता मैम को तो सुन के बहुत ज्यादा मीन्स अंदर ना एक एनर्जी ऐसे बाहर आ रही है और आप सच में बहुत ही क्या बोलूं मैं आपको, सबने आपकी बहुत तारीफ की लेकिन मैं आपकी एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी सर की। जी मैंने यूट्यूब पे उनको देखा है काफी बार यूट्यूब पे और अभी जब भी हम अपनी क्लास इतने टाइम से ले रहे हर बारी इतने साल से सर की एक हाईलाइट करना चाहूंगी बात, वो अपने जो गुरु है अरविंद सूद सर को उनका नाम वो इतनी बार मेंशन करते इतनी बार मेंशन करते करते थकते नहीं है। मैंने आज तक किसी और को ऐसे अपने गुरु का नाम लेते नहीं देखा इतनी बार, मीन्स जिनसे विद्या सीखे उनकी बार बार वो नाम मेंशन नहीं करते हैं। सही बात है, बिल्कुल नहीं कि हमने इनसे विद्या सीखी अगर वो ऊपर गए। छोटी तो सोच है ना वैशाली, छोटी सोच है। उनको डर है कि मेरा जो गुरु है कहीं वो मेरे कमाए हुए अपने स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट उसके पास ना चले। क्यों लेकिन सर आपकी सच में आप हर बारी ये सच में अंडरलाइन करने या हाईलाइट करने जैसी बातें कितनी बार बिना मैं सोचती रहती हूँ सर इतनी बार अरविंद सूद सर का नाम लेते बिना थके हर बारी मेंशन करते कितनी बार बहुत बारी ये सच में रिमार्केबल के ना मार्केबल पॉइंट है सर। हैट्स ऑफ टू यू सर, सच में आपने बहुत पेशेंसली हम लोग मैं या राजेश हम लोग सर सर को गुजरा ली जाते कुछ नहीं समझ लेकिन सर बहुत पेशेंसली गरीब उठाते उनका मूड भी उतनी देर पे नहीं लेकिन दूसरी बार में उनका मूड स्विंग अच्छे होके पेशेंसली हर चीज पर बार बार ही जवाब देते हैं सच में सर। और थैंक्स सर सच में बहुत ही बहुत ही बहुत ही नॉलेज है कि अनबिलीवेबल कि वी आर रियली ग्रेटफुल कि मैं आपसे ज्वाइन हूँ और आपसे ये भी जानूँ। Always welcome, Vishal. Thank you so much, sir. Always welcome. Thank Always. Thank you. So, एक और मेरे अच्छे दोस्त मेरे बेटे समान मिहिर जैन जी हमारे साथ आए हैं। इन्होंने भी मुझसे कोर्स किया, अभी आईपी सिंह सर से भी इन्होंने कोर्स किया है प्रोनोलॉजी का और भी बहुत सारी विद्या ये सीख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जय गुरु जी मिहिर भाई। जय गुरु जी सर, राधे राधे सर। राधे राधे डियर, राधे राधे। जय गुरु जी टू ऑल द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स एंड राधे राधे। मैंने सर से न्यूमरोलॉजी सीखी है और सर के प्लेटफॉर्म से और भी बहुत से कोर्सेज सीखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर को ग्रेटिट्यूड, थैंक्स जितना कहूँ उतना कम है। मैं और मेरी फैमिली सर का ऋणी है सर, लिटरली हम ऋणी आपके, जो आपने हमारा माइंड क्लियर किया। इधर जा उधर जा बहुत भटके हैं पर आपने जो माइंड क्लियर किया और जो उस पाथ पे हम चले हैं रिजल्ट हमें खुद ही मिले हैं सर। बिल्कुल, अपने आप में हम टेस्टिमनी है सर। बिल्कुल, क्लाइंट की क्या दें, हम खुद ब खुद टेस्टिमनी है। और जब क्लाइंट को हम देते हैं उसकी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और जब उसका रिजल्ट्स आता है जो वो खुशी उनके फेस पे या उनकी बातों से झलकती है ना उससे सर ऑटोमेटिकली पीस की रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो हमारे लिए अंदर एक स्पेशल एनर्जी का प्रवाह होता है कि देखो हमें किसी के काम तो आ सके, किसी का तो हम भला कर पाए। और जैसे सर भी प्रीति मैम ने वो काव वाली रेमेडी बताई, मैंने भी अपने क्लाइंट को दी थी, उसको उनका लैंड लॉर्ड तंग कर रहा था तो मैंने कहा अभी रेमेडी करें और फिर मेरे को बताया सर। नेक्स्ट डे मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट ट्यूजडे किया और नेक्स्ट डे उनका फोन आया कि सर दो घर मिल रहे हैं कौन सा। हाँ उनको घर नहीं मिल रहा था और कहाँ दो घर मिल गए, कौन सा लोग बताओ, मतलब तो मैजिकल रिजल्ट है सर। हैट्स ऑफ टू यू एंड सर योर प्लेटफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, टीचर्स है मतलब इतना अच्छा पढ़ा, इतना पर्सनल वे से पढ़ाते हैं, मतलब कि एक बार बंदा पढ़ लेना तो बस कल्याण ही होगा जग का। बिल्कुल, उसको इन डीप नॉलेज आ जाएगी कि भैया कहाँ से किस चीज को पकड़ना है और कैसे सपोर्ट लेना है। नो लॉस वाला काम है आपके पास आके तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पैसा ही पैसा आएगा जो आपके पास आएगा। ग्रेट ग्रेट, लाइफ में और कोई टेस्टिमोनियल जो आपके माइंड में आ रहा हो मिहिर भाई? सर टेस्टिमनी है मेरे नेबर्स हैं
मैरिज बहुत देर से पेंडिंग हो रही थी, हो जाती थी, टूट जाता था, कुछ ना कुछ सब सब चार्जेस चलते रहते थे। तो उनको मैंने बताया कि मैं ऐसे करता हूँ, बेसिकली मेरी मदर ने बताया, मेरे भाई की बता दे, मैंने उनको रेमेडीज दी। सर लास्ट नवरात्रि जो भी गए हैं उसकी मैरिज हो गई। अरे वाह, मतलब वो इतनी खुश थे कि हमने इतने बंदों को चक्कर लगाया, इतनी रेमेडीज की, पर भाई तुमने ऐसा क्या किया कि उसकी मैरिज हो गई। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे सर ने ब्लेसिंग्स दी है वही आपको काम आए। बिल्कुल, सिर्फ तूने उनको समझाया और उन्होंने दिल से समझा, सिर्फ दो चीजें थी और हमने समझा कि भैया डेट ऑफ बर्थ क्या कहना चाह रही है और इसके अंदर हम उनको कौन सी ऐसा स्पेशल वो रेमेडी समझाएं कि उनका काम हो जाए। वैसे तो कुआ नंबर, ये छोटी छोटी रेमेडी, तो मैं कहता हूँ हर एक को बांटो, 15 हर एक को बांटो, 897 हर एक को बांटो, ताकि किसी का कुछ तो भला हो सके। और फिर जो पर्सनल रेमेडीज हैं वो तो फीस लेके बिल्कुल, हमारा भी भला और तुम्हारा भी भला। सर आपके कारण हमारा भला हो रहा है। सब गुरु जी का आशीर्वाद है मिहिर भाई, आप ही हमारे गुरु जी हो, हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग आपसे आ रही है। बिल्कुल डियर, सिर्फ इतना है कि मैंने भी उसको दिल से शिद्दत से समझा, आपने भी शिद्दत से समझा है, रिजल्ट तभी आ रहा है जब आप उसको दिल से फॉलो करोगे। वरना सोचो ना कि ये कोर्स करने से पहले हमारी आंखों के कितना अंधकार था, मतलब बार बार ही कहता हूँ कि ये कोर्स हमें लेट मिला, मुझे लेट मिला, 12 साल बाद पहले मिला, अगर कहीं 22 साल पहले मिल गया होगा तो शायद स्टोरी कुछ और होती। सेम यार, मेरे को पहले मिल गया तो मेरे भी कुछ और ही होते हैं। और होते बिल्कुल, क्योंकि हम इतने बड़े भुक्त भोगी हैं, हमने इतने इतने लॉसेज उठाए हैं, तो वो फिर समझ में आता है कि यार हम इन चीजों से बच सकते थे। बिल्कुल, आई एग्री 100%। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स योर प्लेटफॉर्म, ऑलवेज वेलकम डियर, ऑलवेज वेलकम। मतलब मेरे को एक गुरु की तलाश थी, आपके पास आकर तो पूरा गुरुकुल मिल गया सर मेरे। गुरुकुल मिल गया, बिल्कुल ठीक है। कमलेश भाई से बात करते हैं, कमलेश भाई भी मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं और काफी टाइम से हमारे जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी कमलेश भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी टॉल सर, आज भी आपसे मिलने का मौका मिला, कल भी मेरा बर्थडे था और आपसे बात हो पाई, तो कल बात हो पाई, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली मुझे, आज भी बात हो पाई आपसे। बिल्कुल सर, मैं कुछ थोड़ी बातें शेयर करना चाहूंगा सर। अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट थे मेरे, इनको मैंने जो चेक किया तो पर्सनल ईयर 9 आ रहा था उनका। ओके। तो मैंने उनको बताया था अपनी रेमेडी, जो हॉस्पिटल वाली रेमेडी है, तो उन्होंने वो की नहीं, बोल रहे मैं जा रहा था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं ब्लड वो गिरा पाऊं करके, तो वो रिटर्न आ जा रहे थे। तो शुगर चेक करवा नहीं पा रहे थे, उनको शुगर चेक करवाओ, वो कर नहीं पा रहे थे। और उनको फिर एक प्रॉब्लम आ गई, उनके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम आ गई और उनको शोल्डर का ऑपरेशन करना पड़ा। ओहो, सो सैड, सो सैड। तो उन्होंने फिर मुझे, मतलब मैंने ऑलरेडी उनको बोला था कि ये रेमेडी कर लो, ये साल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज हो सकते हो या कुछ ना कुछ सर्जरी है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी और वही हो गया, उनको शोल्डर की सर्जरी करनी पड़ी। और सर्जरी वगैरह होने के बाद उन्होंने कॉल किया और बोला कि आपका प्रेडिक्शन एकदम सही था, ये मेरी चीज इस तरह से बन गई करके। बिल्कुल, तो इस तरह से भी काफी चीजें। और एक मेरा एक इंसिडेंट बना था एक क्लाइंट का, उनकी डिवोर्स नहीं हो पा रही थी, उनकी डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, जो सामने लड़की वाले थे वो डिवोर्स मतलब दे नहीं रहे थे, दोनों अलग ही दे रहे थे बट वो डिवोर्स नहीं दे रहे थे। तो मैंने उनको वो फोटो वाली रेमेडी बताई थी सर, जो आपने हमें सिखाई थी। बिल्कुल, कि एक तरफ से करके दोनों अलग अलग पानी में डाल देना है, बहते पानी में, वो मैंने उनको रेमेडी बताई। और बताया महीने भर 25-30 दिन में उनका कॉल आया कि वो लोग मान गए और राजी खुशी वो लोग अलग होने के लिए वो लोग तैयार है करके। बिल्कुल, तो सर आपके प्लेटफॉर्म से इतनी सारी रेमेडीज है और सारी रेमेडीज एकदम बोले ना एक्यूरेट है, जो उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। ऐसे काफी सारे रेमेडीज मैंने दिए और लोगों को इसका जरूर फायदा हुआ, बहुत सारा फायदा हुआ, इवन मुझे भी काफी सारा फायदा हुआ है। बिल्कुल डियर, वो दवाई क्या जो खुद के काम ना आए। नहीं नहीं सर, एकदम बहुत सही फायदा हुआ है सर रेमेडीज का। जी डियर, काफी फायदा हुआ है। ग्रेट, ग्रेट। अभी तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से काफी सारी चीजें सीखी,
और न्यूमेरो वास्तु भी सीखा हूँ, और अभी वास्तु का भी बेसिक सीखा, प्रोफेशनल वास्तु भी अभी स्टार्ट हो रही है तो वो भी मैंने ज्वाइन किया है। लेकिन सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपका सिखाने का तरीका अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आप जिस तरह से सिखाते हो ना, एकदम घर कर जाती है, एकदम दिमाग में वो बैठ जाती है। आई एम थैंकफुल टू अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया कि वो मेरे मस्तिष्क में घुस गई। अब मैंने प्रैक्टिस करी 12 सालों में, वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सीरियसली, मतलब मैंने अपने प्लेटफॉर्म से काफी सारे लोगों से सीखा, लेकिन आपका सिखाने का तरीका सीरियसली अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग है सर, बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू कमलेश भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई टेस्टिमोनियल जो आपके दिमाग में आ रहा हो, जो आपके जहन में आ रहा हो? अभी ये रिसेंटली एकदम अभी जो जल्दी वाले थे दो, ये इसके अलावा मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहे, थोड़े स्टीप हो रहे तो उसे ध्यान में नहीं आ रहे मुझे। हाँ, एक काफी टाइम पहले हुआ था। चलो एक ले एंजल, एंजल टाइम हो गया, पहले विश मांग लेते हैं सारे के सारे। आप सबको ब्लेस कर दिया 9:09 ने, तो सब विश मांग लो अपनी आज। जी कमलेश भाई। हाँ सर, एक कुछ टाइम पहले एक मेरी क्लाइंट थी, मेरी वाइफ की फ्रेंड थी, तो उसका मैंने कंसल्टिंग किया था, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक की, तो उसका ड्राइवर कंडक्टर दोनों आठ था। ओके, ठीक है। और फिर बात बात में पता चला कि काफी स्ट्रगल है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है, हेल्थ भी डिस्टर्ब है, तो मैंने उसको कुछ कलर थेरेपी दी कि ये कलर पहनने, ये नहीं पहनने। तो कलर थेरेपी बताते वक्त मैंने उसको बोला रेड आपका बहुत बड़ा एनिमी है, लाल कलर, और उसने एक्सेप्ट किया कि लाल मेरे से बहुत जुड़ा हुआ है, रेड कलर उसका फेवरेट कलर है। ठीक बात है, ऑपोजिट नंबर अट्रैक्ट करता है। यस, तो रेड बैग, रेड लिपस्टिक, ड्रेस वगैरह, टी शर्ट, तो ज्यादा से ज्यादा वो रेड ही यूज कर रही थी, और इवन वो सूर्य को जल भी दे रही थी। बिल्कुल, उसको किसी ने बताया कि सूर्य को जल देना है, तो वो भी एक गलत रेमेडी कर रही थी। तो मैंने उसको सारी चीजें बताई, वो सारी चीज करेक्ट करवाई, लाल कलर सारा छुड़वाया, और उसने सारी चीजें समझी की और उससे जुड़ी। और कुछ महीनों बाद उसने मुझे सामने से कांटेक्ट किया, मिली, तो उसने बोला नहीं काफी फर्क पड़ गया रेड कलर से, मतलब अवॉइड करके फ्रेंडली कलर से जुड़ के, तो उसको काफी अच्छे रिजल्ट मिले उसके लिए। क्या बात, ये भी एक बहुत उसको रिजल्ट मिले थे। क्या बात है, आप मुझे किसी कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमलेश भाई से, मिहिर भाई से, प्रीति मैम से, कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी आ रही है। जी उदय भाई बताइए। कमलेश जी, आज जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी लड़के का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है आप बिल्कुल, तो उससे इस साल शादी करनी चाहिए या फिर अगले साल शादी करनी चाहिए? और लड़की का पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, अब दोनों का रिश्ता हो गया है, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन When we calculate the person year, उसका लड़के का आ रहा है 9, लड़की का आ रहा है 8, और बात यह है कि लड़के की दो, मतलब बीच में कोविड भी आ चुका था और लड़की की उम्र भी बढ़ती गई है। अब घर वाले चाहते कि जितना जल्दी हो सके शादी हो जाए, इसी साल में कर दें, तो क्या हम कोई रेमेडी से इसको सोल्यूशन कर दें? क्या आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस साल नहीं करें तो अच्छा है, बेस्ट ऑफर मार्च करें, आप क्या कहते हैं? देखो सबसे पहले तो देखो लड़की का पर्सनल ईयर 8 बताया, लड़के का पर्सनल आपने 9 बताया है, ठीक है। तो हो सके तो अवॉइड करो, अगर घर वाले नहीं मान रहे, बोल रहे अभी ही करना है, तो आप दोनों का पर्सनल मंथ निकालो, उनके फेवरेबल पर्सनल मंथ निकालो, उसके बाद उसके पर्सनल डेट निकालो जो फेवरेबल है, अच्छी है, ओके, डेट ठीक है, उस दिन पे उस मंथ में आप वो अरेंज कर दो, तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस साल का। देखो एक्चुअली अवॉइड करें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पर्सनल मंथ जो अपने फेवर में एक आएगा, उनके फेवर में पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट, ये कैलकुलेट करके आप उस पे करेंगे,
तो हो जाएगा, और कुछ रेमेडीज वगैरह भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप नेम करेक्शन वगैरह देख लो, किस नंबर पे उनका नेम आ रहा है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह आप सारे चेक कर लो। तो ये सारे चीजें आप एक बार सारे मिला कर, क्या है ना उदय भाई की लड़की का पर्सनल ईयर 8 है, उसका अगला 9 हो जाएगा, वही तो उसका 1 हो जाएगा, तो ये 2 साल प्रॉब्लम चलने वाली है। तो यहाँ पे यही सलूशन है, उनका पर्सनल मंथ दे के पर्सनल डेट निकाल के अगर पंडित जी मानते हैं तो शादी करवा दो, नहीं तो रेमेडी करते रहे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। इस केस की प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, क्योंकि 1 का 9 है 1 का 8 है, उसका 1 होगा उसका 9 आ जाएगा। वही तो आपको देखना है कि आप कितना उसके अंदर वर्किंग करके उनको आशीर्वाद दिलवा सकते हैं। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत केस, बहुत ही अंदर पड़ेगा। उनके नेम के स्पेलिंग को चेक करो, उसको बैलेंस करो, रेमेडीज करवाओ, पर्सनल ईयर 8 की रेमेडी करवाओ, पर्सनल ईयर 9 की रेमेडी करवाओ, ताकि दोनों को ब्लेसिंग आ सके। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू, ओके डियर जी। राकेश भाई, अनम्यूट करो डियर। मेरा ये प्रश्न खाली ये सभी सभी से जो आए हुए हैं, जैसे कि अभी हम वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट अ जर्नी इन दिस थिंग, तो अभी तो हम लोग खाली घर वाले का ही बनाते हैं, फ्रेंड्स एंड नियर डियर वन का बनाते हैं ऐसा, दैट इज मींस फॉर टू लर्न दिस थिंग्स ऐसा। सो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट वे ऐसा कि after something 15 days again watching this video and after practicing this thing we should start or how you are starting Titi ma'am? देखो आप सबसे पहले तो आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो, फैमिली है या जो भी आपके फ्रेंड्स है जो नियरेस्ट है, तो उनसे भी आपको टेस्टिमोनियल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये विद्या ऐसी है, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और जैसे सर हमेशा से सिखाते हैं कि कुछ चीज आप मार्केटिंग में यूज करो, जैसे आप गूगल पे आओ, अपने विजिटिंग कार्ड छपवाओ, जो भी आपके, क्योंकि जो रिलेटिव्स होंगे ना, मैंने काफी ऐसा देखा है कि रिलेटिव से नहीं इतने रेफरेंस नहीं आते हैं जितने स्ट्रेंजर्स से आते हैं। जो अननोन लोग हैं जो हमको जानते नहीं है, वो लोग उनके फ्रेंड्स को उतनी उनकी फैमिली को भेजता है हमारे पास। मुझे जानते हो, कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं है। हाँ जी, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो पहले एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, तू तो हमें फ्री में सिखा। हाँ जी, फ्री में ही आएंगे। और दूसरा, फ्री से अभी से मैं सिखाऊ, सर ने मुझे उसमें से काफी प्रोटेक्ट किया कि काफी फ्री में रेमेडीज देने से, कंसल्टेशन देने से हम बीमार पड़ जाते हैं। और ये चीज जब मुझे समझ में आई और मैंने एक वेबिनार में फिर सर को ही पूछा, तो सर ने मुझे सॉल्यूशंस भी दिए, वो मैंने अप्लाई किए। लेकिन मेन बात यह है कि आप कुछ मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा। सोशल मीडिया अभी है, यूट्यूब है, आप अपने विजिटिंग कार्ड छपवाओ, गूगल पे आप अपना ऐड दो, वेबसाइट बनवाओ, तो ये सब चीजें। सर भी अगर मार्केटिंग नहीं होता, राहुल जी नहीं होते, सर हमको नहीं मिलते, तो ये चीज बहुत ही इफेक्टिव है, ये आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, अभी कॉन्फिडेंस के लिए आप अपने जितने भी रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, वो सबको आप ये विद्या आप उनके ऊपर अप्लाई करो, उनको रेमेडीज दे सकते हो आप। पहले तो ये समझो कि आपका खुद का पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। मेरा पर्सनल ईयर 1 है। 1 है तो बस बल्ले बल्ले है, ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 2 है, कूद पड़ो, कूद पड़ो। अभी कुछ नया ही होने वाला है आपके साथ, सब कुछ अच्छा होगा, फेवरेबल। अभी फेवरेबल है, तभी तो मैं जॉइन हुआ, 2 साल सोच रहा था खाली यहाँ से। एक्चुअल में अभी कुछ कहना चाहूंगा जी। मीर भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था जी। कमलेश भाई पहले आप बोलिए पहले। हाँ जी सर, इनका जो था अभी स्टार्टअप, जैसे इन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना चाहिए, तो मेरा ये ओपिनियन था कि अभी जैसे थोड़े मंथ आप प्रैक्टिस कर लो, कुछ डेट वगैरह एनालाइज करके, आप जैसे खुद प्रीति मैम ने बताया कि उनका कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद एक काम कीजिए सर, आप पद्मा मैम का कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा ही, पद्मा मैम के पास से आप 2 पोस्टर बनवा लीजिए जिसपे आपका फोटो आ जाए, आप न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट है इस तरह से आप, और क्या क्या है ऐसा एक पोस्टर बना लो, बनवा लो अपना बैनर बना लो, बेसिकली बैनर बनवा लो, वो बैनर आप आपके इस तरह के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप में डीपी रख दो, या व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दो, और या तो आप आपके फ्रेंड्स को इस सर्कल में आप सेंड कर दो, प्रमोट करो, तो वो काफी बहुत फर्क पड़ जाएगा इस तरह से भी। बिल्कुल, ये एक आप जरूर कीजिए।
आपको चुप रख के उसको प्रमोट करो तो वो आपके लिए सेल्समैन का काम करेगा। एग्जैक्टली सर, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि आप बैनर बनवा लीजिए सबसे पहले, ये थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह होने के बाद। मैंने खुद ने पद्मा मैम से बैनर्स बनवाए थे और वुड टच बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, पद्मा मैम का हाथ इतना सही है, उनकी इतनी ब्लेसिंग है, मतलब मैंने बैनर्स बनवाए और जैसे मैंने सर्कुलर किए पोस्ट किए तो मुझे काफी क्लाइंट्स मिले। थैंक यू, मिलेंगे। ये है कि आप दिल से उसके साथ जुड़े हो, वो सारी चीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैम ने बोला कि हम किसी को देते हैं तो उसका इफेक्ट हम पर आता है कहीं ना कहीं, तो मेरा क्वेश्चन था कि प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑरा बूस्टर, ऑरा बूस्टर, पायरा कार्ड। आपको कहा है कि ट्यूसडे और सैटरडे तीन लॉन्ग लो, अपने सर से ऊपर से 7 दफा उतारो और उसको घर की बालकनी में छत पे जाके 3 कपूर पे रख के जलाओ, क्योंकि नेगेटिविटी जरूरी नहीं है बाहर से आएगी, कई बार घर वालों से ही नेगेटिविटी आ जाती है, पता थोड़ी है किसी चीज का। तो आप अपने आप को सिक्योर करके चलो, उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि ऑरा बूस्टर रखो अपने पास, सबसे बेस्ट रहता है। प्लस कुछ ब्रेसलेट्स आप पहनो, टर्म्यूरिन सर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, मैं गोमती चक्र भी सर पहनती हूँ, आपने ही मुझे सजेस्ट किया और वो जब से पहना एक एकदम 360 डिग्रीज चेंज, और मेरी खुद की भी पर्सनालिटी बढ़ गई और मुझे कुछ पॉजिटिविटी फील होने लगी सर इससे, और अपॉर्चुनिटीज आई। हाँ, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहती कि आप ये रेमेडी कर लोगे या सीख लोगे तो पैसा बरसेगा, नहीं, मेहनत, क्योंकि आज रात को 1:30 बजे तक मेरी कंसल्टेशन चलती है, 10 बजे मैं दिन की 3 दे देती हूँ, तो फिर मुझे भी थकान फील होती है, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अपग्रेड रहना पड़ता है, पढ़ना। सर की क्लासेस जो मैंने की थी वो तो हल्की तारीख में वो रिकॉर्डिंग में सुनती हूँ रात को, वो एक नशा सा हो गया है, बार बार मैं संदीप सर को सुनती हूँ, और वही जो मैंने क्लास की थी सर, सच में मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बहुत सुनती हूँ, और छोटी छोटी सर की जो यूट्यूब पे भी जो क्लिप्स है उसको भी सुन लिया ना, तो उसमें से भी कुछ मिल जाता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी पर लेकिन सक्सेस आएगी, वो लिख लो। प्रैक्टिस तो ठीक है, पहले अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी जी, जी। और उन्हीं के ही टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे पहले, बिल्कुल, और जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद ही आप संदीप सर को तो मैं जब से जानती हूँ, तब से देखी हूँ, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, चीज तो मैंने खुद देखी, और इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए नो डाउट राहुल सर और पद्मा मैम का बहुत बड़ा हाथ है, और इनकी खुद की भी बहुत हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क यहाँ तक पहुंचे, जो इनको इतना नेम पे मिला है इनकी खुद की मेहनत है। सर मेरा क्वेश्चन वही था जो मीर जी ने लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आप 3 लॉन्ग वाला बता रहे थे। 3 लॉन्ग वाला? हाँ, 3 लॉन्ग लेने हैं, जो क्लोव होता है ना, जब दांत में दर्द तो लॉन्ग खाते हैं, वो 3 लॉन्ग लेने हैं, ट्यूसडे या सैटरडे को, या दोनों दिन आपने अपने ऊपर से 7 दफा उतारना है। उतारने का मतलब क्लॉकवाइज, जो मर्जी क्लॉक, एंटी क्लॉक, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है सर। उसको 3 कपूर पे रख के जला दो, रात को 8 बजे के बाद ये करना है, फॉर ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर। उसको कपूर पे रख के जला देना ऐसे ही, और उसको रील बना लेना। हाँ। और जब ट्यूजडे को उतारोगे, उसके जब जलाओगे तो उसमें पटाखे बजेंगे। हाँ। तो आपको मेरी बात समझ में आएगी, मैं क्या करवाना चाह रहा था, वो है नजर दोष। ओके। आज करोगे, आज कुछ नहीं होगा, आज जल जाएंगे,
लेकिन ये आप ट्यूसडे या सैटरडे करोगे उतारने के बाद तो उसमें से पटाखे निकलेंगे, वो नजर है, ठा ठा की आवाज आएगी। और सर ये जो जलाना है घर के बाहर बालकनी में, बालकनी में, बालकनी में, घर की छत पे या गार्डन में, बिल्कुल घर के बाहर होना चाहिए, जितना होगा उतना बढ़िया। और सर ओरा बूस्टर तो मैंने, मेरे को पता नहीं कौन सा, कविता मैडम, मैडम सब कविता मैडम सब उसमें लिखा हुआ है, पीडीएफ में लिखा हुआ है। सर जो लोंग बच जाएंगे जलने के बाद फिर उनको क्या करना है? बचेगा ही नहीं डियर, तीन कपूर के ऊपर रखना है, वो अपने आप हो जाएगा, उसको बिल्ली बच जाए तो उसको झाड़ू से साफ कर दो बस। हमने संभालना थोड़ी है, वो तीन कपूर पे अगर आप सेट करके रखोगे तो कपूर के साथ वो पूरा जल जाएगा। सर ये जमीन में रख के करना है? जमीन में रखोगे मैडम, किस पे रखोगे और? वरना नहीं, मैंने सोचा प्लेट वेट में रखना। नहीं नहीं, जमीन पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप प्लेट में भी रखना चाहो तो कागज की प्लेट ना हो, क्योंकि उसमें आग लग जाएगी। और बताइए सर, एक डिवोर्स वाली रेमेडी रिपीट कर दें। डिवोर्स वाली रेमेडी, एक किलो नमक लेना है। अच्छा ये जो उमलेश भाई ने बताई, चलो नोट कर लो ये भी, ये बहुत पुरानी रेमेडी है, जब अरविंद सूद सर पढ़ाया करते थे उसके बाद और लेटेस्ट लेटेस्ट रेमेडी बन गई, पर आज कमलेश भाई ने मुझे भी याद दिला दी तो आप सब ले लो। जिसका डिवोर्स होना है उसकी और उसकी वाइफ की फोटोग्राफ चाहिए होगी, एक फोटोग्राफ में जिसमें वो दोनों हो। आपने बहते हुए पानी में उस फोटोग्राफ को पहले फाड़ना है। देखो मेरे हाथ में, देखो ये फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ को बीच में से आधा फाड़ दिया, ठीक है, और बहते हुए पानी में ये देखो ऐसे फेंकना है, ये इधर ये इधर। एक बार ये रेमेडी कर दी फिर रिश्ता जुड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। बहुत पुरानी रेमेडी है, अरविंद सूद सर इसको सिखाया करते थे। फोटोग्राफ ली, हस्बैंड वाइफ है, उनकी फोटोग्राफ ली, उनकी शादी की फोटोग्राफ है तो वो ले लो चाहे, अब वो दोनों साथ ही नहीं रहना चाहते, हम तो सोल्यूशन देंगे ना उनको। तो उस फोटोग्राफ को बीच में से फाड़ना है, इसको इधर फेंकना है या उसको सड़क के उस तरफ ले जाकर ऐसे फेंक दो, तो वो बिल्कुल अलग अलग दिशाएं में होनी चाहिए। और एक पर्टिकुलर कोई डे है इसका? ये मैंने भी आपसे आज सुना था मैडम, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे ट्यूसडे, ओके ठीक है। ये कभी भी आप करवा सकते हो दिन के टाइम में और करके देखो, जैसे कमलेश भाई ने कहा है कि सोल्यूशन आया है तो बिल्कुल आपको भी सोल्यूशन मिलेगा। पर उससे आप रेमेडी हमने यूज करी नमक वाली, उसके अंदर भी अच्छा आशीर्वाद है। जो अब लेटेस्ट रेमेडी है वो हम यूज करते हैं कि एक किलो नमक का प्लास्टिक का जार लो या कांच का जार लो, उसमें आपने एक किलो नमक लेना है और जो भी जिसको भी अपने जिंदगी से बाहर निकालना है उसकी फोटोग्राफ चाहिए। उस मर्तबान के अंदर आधा किलो नमक डालो, उस फोटोग्राफ को डालो जिसको डिवोर्स देना है या जिसको जिंदगी से बाहर निकालना है, उस फोटोग्राफ के पीछे उनका नाम हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो और उनकी मम्मी का नाम हो। मर्तबान को खोल के उसमें नमक डाला, ऊपर फोटोग्राफ रखी, फिर ऊपर उसके ऊपर नमक डाल दिया। अब उसको बंद करके आपने जो घर का सबसे दूषित जगह होती है जिसको हम टॉयलेट कहते हैं वहां पे रख दो, क्योंकि नमक है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। अगर 90 दिन में सॉल्यूशन नहीं आया तो आप इसको बाहर फेंक दो और फिर दोबारा से इसी रेमेडी को रिपीट कर दो, तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकला है। जो रेमेडी आपको पसंद आए, चाहे वो वाली चाहे वो वाली, दोनों में कोई भी रेमेडी आप कर सकते हो, चॉइस आपकी है जी। आईफोन जी, कुछ आपके पीछे ना कमलेश भाई, बच्चों की वॉइस आ रही है तो वो इसलिए ना ज्यादा आवाज हो जाती है। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली वही बराबर जी, जी 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 आईफोन जी। जय गुरु जी सर जी। जय गुरु जी डियर। एक ना मेरे को जैसे अपना तीन बार एक है तो सुबह को जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए? ड्राइवर कंडक्टर के तीन बार एक से कोई फर्क नहीं, मेरे पास छह बार ही एक है। अच्छा, तो सुबह को जल चढ़ाना चाहिए, इतने बार मर्जी है डियर। ड्राइवर कंडक्टर क्या है? तीन एक, तीन एक बिल्कुल चढ़ाओ, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ओके जी, मतलब वो कहीं बोलते हैं ना कि ज्यादा बार एक है तो सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, वो मैं बस वही कंफर्म करना था। जो वो कह रहे हैं उनकी मर्जी। ओके ओके। और मेरे बेटे के ग्रेड में ना दो बार दो है, तो उसका नाम भी दो पे है, वो स्लो बोता है बहुत, मतलब उसको पढ़ने के लिए बिठा दो तो
मतलब वो उसको बार बार बोलना पड़ता है हर चीज के लिए, बहुत स्लो है वो। बिल्कुल, नेम की स्पेलिंग फाइव पे ले जाओ डियर। ओके जी। और जो हमने एक फर्म बनानी है, एक नई बिजनेस फर्म, तो उसको पांच पे लेके जाए या एक पे लेके जाए? तो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तीन एक है। हाँ, तीन एक है, तो बिल्कुल पांच पे लेके जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, पांच पे लेके जाए। यस डियर। ओके ओके, जो मैंने आपको बताया था ना, मेरी वाइफ का वो न्यूमरोलॉजी सीख रही है उस टाइम, वो तो वो वही है ना, जो काम शुरू करती है वो उसको एंड नहीं कर पाती, तीन दो है उसका। तो कोई नहीं, भाभी के भी नेम के स्पेलिंग को 1 या 5 पे ले जाओ। 1 या 5 पे ले जाए जी डियर, मतलब फिर जो काम हाथ में लेते हैं वो पूरा हो जाएगा फिर। बिल्कुल पूरा होगा डियर, आप शिद्दत से उसको समझो। आपके सामने हम पांच पांच लोग बैठे इस समय बातें कर रहे हैं, सबके टेस्टिमोनियल आपने सुने हैं, हम सबकी लाइफ में हर्डल्स थे। बबीता मैडम का अपना है, कमलेश भाई का अपना है, मिहिर भाई का अपना है, प्रीति मैडम का अपना स्ट्रगल है। मैं भी इसी तरह ना, कभी जो भी कोर्स दिखा वो ले लिया, जो दिखा वो ले लिया, चाहे शेयर मार्केट में है, चाहे किसी भी चीज में है। मतलब वो ले तो लिया, उसको कंप्लीट नहीं किया, लेकिन न्यूमरोलॉजी है पहला ऐसा कोर्स है जिसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ, मतलब शिद्दत के साथ। ये शुरुआत हो गई है आप। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो। और मेरा तीन एक है, तो मुझे शेयर मार्केट में जाना चाहिए? क्या जरूरत है, आप सिखाओ, किसी भी चीज को सिखाओ। अगर पैसा लगाने का शौक है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म को देखो। जैसे मान लो HDFC का शेयर ले लिया, तो 5 साल ले लो, रिलायंस का, बस ऐसे करो, उसको खरीदी बेची नहीं करनी, वरना वो टेंशन दे जाएगा। हाँ, मैं बस वही लॉन्ग टर्म वाला ही कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर। ओके जी उदय भाई। सर मेरा एक डाउट है, जो आपने कहा कि अगर जो वाटर वाला रेमेडी है, अगर डिटेल्स है, फोटो ऐसे और ऐसे छपना है, लेकिन अगर वो शहर में रहते हैं तो नदी तो मुश्किल है सर, ढूंढना पड़ेगा डियर। चाहे वो मेरे यहाँ से करण नदी जो है 150 किलोमीटर दूर है, वहां जाएगा क्लाइंट जाएगा, क्योंकि ये आपने कहा कि ये 101% काम करता है, और अगर एक ही बार करना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार या फिर मंथली 4 times करना है? एक बार हो गया हो गया, कमलेश भाई ने 1 time करवाया, डिवोर्स मिल गया। वन टाइम एक ही बार किया जाए, बस। और एक डाउट है, अगर किसी को हकाने की बीमारी हो तो उसके लिए हम रेमेडी क्या क्या देना चाहिए, चाहे कोई भी ट्राइब की तरफ से देना चाहिए? रेड कोरल ब्रासलेट पहना दो कम्युनिकेशन के लिए, रेड कोरल ब्रासलेट जी डियर, क्योंकि एक मेरा क्लाइंट है वो बहुत हकलाता है, मतलब ज्यादा बात नहीं कर पाता, वो कभी कहता है कि मेरे को कि वो अपनी वाइफ से वो डर के मारे आई लव यू भी नहीं बोलता, तो ऐसी कंडीशन भी आ चुकी है जी, तो उसने बोला कि अगर मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैं डॉक्टर से कुछ होने वाला नहीं। गोमती चक्र का ब्रासलेट पहना दो और रेड कोरल पहना दो, काफी कुछ ठीक हो जाएगा। साथ में पायरा फायर करे, पायरा फायर जी। ओके सर थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। जी मैम प्लीज। सर कैन आई लीव मेरी घर? बहुत धन्यवाद, बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सर। राइट मैम, राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको, थैंक यू मैम, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू मैम जी। जय श्री मैम, बताइए सर। एक सबसे छोटा सा एक रेमेडी पूछ रही हूँ। बताओ बताओ। लोगों को ना पैसे फंस जाते हैं, कभी बिल्डरों से फंस जाते हैं, कभी कोई लोन ले लेता है वापस नहीं करता है, उसका भी थोड़ा रेमेडी दे दीजिए। बताओ प्रीति मैम। वो सर गायत्री मंत्र वाला बता दो, वो तो मैंने बहुत सारे 108 रोटी वाला इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इनको सब कुछ बता रखा है। सर आप मानोगे नहीं, वो 108 रोटी वाला एक 8 से 2 साल पहले एक बहुत ही सीरियस केस था जायडस हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि ये पेशेंट अभी नहीं बचेगा। तो और उसकी फैमिली ने भी हार मान ली थी, और उसका मेरा एम्प्लॉय है ऑफिस में, और उसने मुझे पूछा कि मैम ये की सिचुएशन है, आप प्लीज कुछ रेमेडी बता दो। मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ बताओ, और उससे पता चला कि पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, तो मुझे भी पता चल गया कि हाँ इसका टाइम पूरा है, विकेट कटेगी। तो मैंने 108 वाली रेमेडी करवाई, उन लोगों ने 4:30-5 बजे से पहले ये रेमेडी कर ली शिद्दत से, हाल की तारीख में वो बंदा जिंदा है,
और डॉक्टर भी कंफ्यूज है कि क्या किया आप लोगों ने ऐसा। तो ये 108 वाली तो ब्रह्मास्त्र है सर, बट वो मैं जनरली हेल्थ और या जीवन मरण का जब टाइम आ जाता है सब चीज के लिए दो, जैसे मैडम का केस है। और सर ये गायत्री मंत्र वाली आप जो रेमेडी बताते हो कि फोटो गायत्री मंत्र का स्पीकर आप ले लो, उसके ऊपर जिससे भी आपको पैसा निकलवाना है या जिसके भी साथ आपके डिस्प्यूट चल रहा है जो आपके लिए नेगेटिव है, वो बंदे की फोटो आप लेके उसके पीछे उसका पूरा नेम और उसका मदर का नेम और फादर का नेम वो डिटेल लिख के फिर उसको वो रोली से बांध के वो संडे के दिन वो तीन दिन चलाओ, तो उससे सामने वाला ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। एटलीस्ट वो चलाओ, आप तीन दिन नहीं चलाना, आप उसको रोज चला के रखो जब तक आपका काम ना बन जाए। ये तीन दिन तब था जब उसके अंदर काम जल्दी हो गया आपके केस में या और केस में। सर मेरा तो तीन दिन में, मैंने यूएस में मेरे एक क्लाइंट है उनकी वाइफ उनके साथ रहती थी, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुए और वो छोड़ के यूक्रेन चली गई सर, और उसको ब्लॉक कर दिया था उसने, और वो बंदा इतना उसके उसके पीछे पागल था 6 महीने से, और उसको हार्ट अटैक भी आ गया, और उसके कजिन का मेरे ऊपर फोन आया इंडिया में कि ऐसा ऐसा है और आप कुछ करो। मैंने दोनों का डेट ऑफ बर्थ चेक किया और फिर ये रेमेडी उनसे करवाई कि आप, और वो हॉस्पिटलाइज थे जब मैंने उनसे ये बात की, तो मैंने कहा आप डिस्चार्ज लेके जब भी घर जाओ ये गायत्री मंत्र वाला एक रेमेडी आप कर लो। और वो लिटरली जैसे ही उसने किया दूसरे संडे को उसकी वाइफ ने उसको अनब्लॉक किया, आज वो दोनों साथ है सर। अभी इसका लेटेस्ट टेस्टिमोनियल है मेरी वाइफ, मैं एक्चुअली पढ़ा रहा था तो मेरे क्लाइंट का फोन आया रोते रोते, मेरा स्टूडेंट ही है, मैंने फोन नहीं उठाया, मेरी वाइफ से बात करवाई। उसने कहा मेरा 10th क्लास का जो बच्चा पढ़ता है वो पास हो गया पर उसको डिप्रेशन आ गया, वो घर छोड़ के चला गया। तो इमीडिएटली मेरी वाइफ ने उसको बोला कि आप उसकी फोटोग्राफ मुझे भेजो, तो उसकी फोटोग्राफ आई, हमने घर की गायत्री मंत्री मशीन पे जो मेरी फोटोग्राफ लगी थी वो हटा के उसकी फोटोग्राफ लगा दी, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे 5 दिन के बाद वो बच्चा घर पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ब्रह्मास्त्र है। रोते हुए फोन करा मेरी वाइफ को, क्योंकि देखो जिसके काम बनेंगे ना वो आपके लिए बिल्कुल भगवान हो आप उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सिर्फ आप शिद्दत से समझो कि वो क्या करना है। ऐसे अच्छा, सोचो वो तो इंडिया में भी नहीं था सर, आप सोचो वो उसने यूएस में ये किया बिल्कुल और उसको वहां रिजल्ट मिला, और उसकी वाइफ यूक्रेन चली गई थी, वहां वाइब्रेशन पहुंचे इसके पॉजिटिव, और सर, दो संडे में उपाय हो गया ना एक तरह से। जी जय श्री मैम, क्या हाँ उपाय हो गया एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, सारे उपाय महा उपाय है मैडम, फ्रूटी को बांटना क्या आप हल्का समझते हो? नहीं मतलब ये हर चीज अच्छा वो भी है, हाँ सही है, फ्रूटी है, आइसक्रीम है, संडे को वो लाल वाली ड्रिंक है, रूह अफ़ज़ा है, आप करो तो सही, ऊपर वाला पता नहीं। और ये जो गायत्री वाला ये कौन सा डे से शुरू करना है लगाने का? आप वेडनेसडे कर दो, संडे कर दो, थर्सडे कर दो, आपकी मर्जी है मैम, जहां आपको स्पोर्ट दिखाई दे। जी मिहिर भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं वही कंफर्म करना चाह रहा था, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज लेनी, पासपोर्ट साइज लिए, पासपोर्ट साइज छोटी फोटो लेनी है, उसके पीछे क्लाइंट जो पर्सन का नेम, उसकी मदर का नेम, और पर्पस क्या है। अगर मान लो मेरे को हेल्थ इश्यूज है तो मेरा नाम, मेरी मदर का नाम वो ग्रीन पेन से लिखना है क्योंकि मुझे जो है वो ठीक होना है, लेकिन अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो उसकी फोटोग्राफ लगेगी, उसकी मदर का नाम आएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, और वो रेड पेन से लिखना है, उसमें इंटेंशन डालनी है कि भैया मुझे मेरे सारे पैसे मिल गए हैं, गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मशीन एक ही है पर हजारों काम करती है, और उसके बाद अब अपने गले का यंत्र भी बना दिए, गायत्री यंत्र, अगर कोई बीमार है तो उसको वो भी आप डाल सकते हो गले में। रोल कितनी बार करना फोटोग्राफ को गायत्री मंत्र मशीन के ऊपर? क्या करना डियर? रोल करना है ना, मैम कह रहे थे धागे से। वो मॉली वाली कहानी जो है वो इसलिए है कि अगर आप उसको गम पेस्ट कर दो तब भी जरूरत नहीं, जो तब भी गम पेस्ट भी काम हो जाएगा। रोली ज्यादातर हम वहां यूज कर रहे हैं जहां पे बंदा बीमार है या बहुत ओल्ड एज है, वहां के लिए। नहीं तो आप सिर्फ गम लगा दो वो स्पीकर पे चिपक जाएगी तब भी काम हो जाएगा। जी राकेश भाई, कमलेश भाई अगर आपने भी जाना है तो आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़े हैं प्लीज जुड़े रहे डियर, प्रीति मैम आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, या कुछ काम है अभी? काम है
नहीं सर, आप हो तो कुछ काम नहीं है सर, आपको देखना ही, आपके दर्शन है तो और कुछ काम बड़ा नहीं है मेरे लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। राकेश भाई सर, ये मुझे गायत्री, हेलो, हाँ हाँ बोल बोल। ये गायत्री मंत्र से अगर समझो बिजनेस में एनहांसमेंट करना है के लिए, वो भी कर सकते क्या? विजिटिंग कार्ड लगा दो ना कंपनी का। ओके, ओके और क्या, इसमें एक स्पेशल टूल आता है, कविता मैडम से बात करो, उसमें क्या, जैसे मान लो एक घर के 7 फैमिली मेंबर हैं, तो वहां पे वो 6 या 7 फोटोग्राफ लग जाती है, तो सबको एनर्जी मिल जाती है। ओके ओके, वो भी मशीन है हमारे पास। ओके, मान लो हस्बैंड वाइफ है, अब ये तो गायत्री मंत्र की तो एक ही मशीन लगी, लेकिन हस्बैंड वाइफ है, कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, दोनों में झगड़े रोज होते हैं, तो उसमें छोटी मशीन भी है हमारे पास, कविता मैडम से बात करो, वो सब बता देंगी आपको। जी विशाली मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम, सर मेरी जो एक सिस्टर है उसे आर्थराइटिस है, वो काफी सालों से है, उसके हाथ पैर भी काफी टेढ़े हो चुके हैं, जैसे ऑलमोस्ट उसको 80% चलती फिरती है घर में, तो उसके लिए मैं क्या आप सजेस्ट कर मैम? घर पे पायराफायर करवाओ और ये गायत्री मंत्र की मशीन लगवाओ। किसी भी बिजली की दुकान में मिल जाती है, 350-400। नहीं, मैंने लगाई हुई है सर, एक जो जॉब के लिए ना, इसलिए मैंने लगाई हुई है जी। तो उसके लिए कुछ ब्रेसलेट या पायराफायर बोला आपने, और पायराफायर का मैंने रिकॉर्डिंग दिखा रखी है आपको, और एक मशीन उसके नाम की मंगा के उसके भी स्टार्ट करवा दो। अच्छा, ओके सर, थैंक यू ओके जी। जी मनीषा मैम। गुरु जी, मेरे बेटे का जो जन्म हुआ है 10 फरवरी 2023 की हुआ है पैदाइश है, इसका क्या इसका नेम मैं 5 पे लेके आई हूँ, तो इसका क्या 6 वगैरह भी बैलेंस करना पड़ेगा कि सिर्फ 5 से काम चल जाएगा? ड्राइवर 1 है, कंडक्टर कितना मैम? 1 ही है बस गुरु जी। हाँ तो बिल्कुल 6 का आशीर्वाद लेंगे, जब वो 12 साल का हो जाएगा उसके सिग्नेचर जो है 6 पे लेके आएंगे। और नेम 5 पे चलेगा? नेम 5 पे ही रखना मैडम, तभी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि उसके ग्रिड में सिर्फ 1, 2, 3 ही है। जी मैम, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं मैडम, यही प्रॉब्लम है सब बच्चों की, तो उसको जो भी रिमेनिंग नंबर है वो जब 12 साल का हो जाएगा उसके बाद देंगे। बिल्कुल ठीक है, अभी सिर्फ आप एक ही चीज कर सकते हो कि उसको बुध 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद 5 साल का होने के बाद बुध पैरा उसको पहनेंगे। ठीक है गुरु जी, राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। चलिए दोस्तों, हमारा साथ आज यहीं तक का था। आई एम थैंकफुल टू प्रीति मैम, कमलेश भाई, मिहिर भाई, बबीता मैम कि आप लोग आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि होता क्या है कि जब आप लोग आके अपने टेस्टिमोनियल देते हैं ना, तो जो नए स्टूडेंट है उनमें कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जब आपने सीखा उस समय माहौल और था, आज जो है वो माहौल और है, जब मैंने सीखा तब माहौल और था, जब मैंने सीखा उस समय शायद 2 या 4 वीडियो भी नहीं थी कि भैया न्यूमरोलॉजी क्या होती है, और आज आप देखोगे तो कम से कम 1 करोड़ से ऊपर वीडियो है, ड्राइवर ये होता है, कंडक्टर ये होता है, कुआ नंबर ये होता है, फिर लोग अपने अपने दिमाग चल पड़े। बिल्कुल सर बिल्कुल, और हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, सिर्फ वीडियोस देख के, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ सर के ओनली वीडियोस देख के मत सोचो कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, जब आप क्लास में आओगे तब आपको पता चलेगा कि असली मैजिक स्टिक तो यहाँ पे है, जो हमने सीखा, जो आप कैरेक्टरिस्टिक जो बताते हो 2 नंबर 6 नंबर सर, वो इतना मतलब इतना 200% वो प्रोडक्शन सही होता है ना, कि हम सिर्फ नेम से या उनके डेट ऑफ बर्थ से बता देते कि ये बंदा ऐसा होगा, बात में नंबर नहीं आ जाएगा, ये 6 नंबर वाला है, ये 1 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, वो सारी बात है। क्योंकि सर आपके वीडियोस देख के बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट घूम रहे होंगे आपकी सीख से, बट वो जब क्लास में एक्चुअली आएंगे, और बाकी सब है ना, मैंने देखा कि अट्रैक्शन का, मैंने भी आपकी बहुत वीडियोस देखी थी, तो कुछ टिप अगर किसी को दे दिए तो जहाँ जाते हैं वहां सब लोग साथ में आ जाते हैं, ये बताओ वो बताओ, बट जब मैंने आपसे सीखा पूरा 1 महीना और फिर मैंने प्रैक्टिस की, तब जाके मैं पॉलिश हुई, और अब ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज द टाइम फॉर मी, मैं एक्चुअली ये थी जो आपने बनाया सर मुझे, तो कॉन्फिडेंस बहुत आया सर। आप एकलव्य मत बनो, एकलव्य बन लिए, अब अर्जुन बनो सर। आप एक चीज बहुत अच्छी सिखाते हो,
जैसे कई बार क्या होता है, कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं या चीजों को नहीं मानते हैं, तो आप बहुत अच्छा बोलते हो कि उसका वक्त नहीं आया अभी। ये चीज मैंने बहुत देखी कि जब वक्त नहीं होता है तब आदमी नहीं सुनेगा, नहीं सुने। और रेमेडीज भी नहीं करेगा, लेकिन फिर ठोकर खाएगा, उसके बाद वो उसका जब सही वक्त आएगा तब वो आएगा हमारे पास। बिल्कुल, अभी जैसे बात कर रहे थे ना, राकेश भाई ने बात करी, किसी ने बात भी, कमलेश भाई ने शायद बात की थी कि उसको मैंने समझाया भी, अगला नहीं माना, और फिर जब वो तकलीफ हुई तो आपने अब माना, तो वही वक्त नहीं आया था बस। आपने बोला उसका वक्त नहीं आता है तो वो नहीं आएगा, लेकिन जिसका, और दूसरा जिसका वक्त आता है वो अपने आप आपके पास आएगा। बिल्कुल, गुरु जी की कृपा से सर, वो भी मैंने फील किया है। बिल्कुल 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 सर जी। आईफोन जी, जी जय श्री मैम। तो सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सबको, जो भी आपके पुराने स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं हमें मोटिवेट करने के लिए। जी वो वैसे भी हम इमोशनल भी हो रहे हैं थोड़ा, आज खत्म हो जाएगा, कल से सर मिलेंगे नहीं, खत्म नहीं हो, उधर मिलेंगे, मेरा सूर्य उदय हो रहा है। हाँ सर, खत्म कुछ नहीं हो रहा, कल से मेरा सूर्य उदय हो रहा है, और ये हम सब का जिंदगी में हुआ था। हेलो जी, जी जी सर, हमारी जो मैरिज हुई थी ना वो पर्सनल ईयर उस टाइम नो चल रहा था। ठीक है डियर, ठीक है, वाइफ का 6 चल रहा था, मेरा 9 चल रहा था, उसका भी ड्राइवर 3 है, मेरा भी ड्राइवर 3 है, दोनों के ऑपोजिट ईयर थे वो। ठीक है, तो उस वजह से भी तो काफी तकलीफ हो सकती है ना। तो मान क्यों रहा, तकलीफ है, रेमेडी तकलीफ तो है, तभी तो कह रहा हूं बहुत ज्यादा। छोड़ देगा फिर, छोड़ दे, मेरी तरह रेमेडी कर, आशीर्वाद आता रहेगा। जब आप मानोगे तकलीफ है तो तकलीफ बढ़ेगी। मैं देख अपनी रेमेडी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ अपनी रेमेडी कर रही है, दोनों का जो जो भी चीजें हैं ऊपर वाला करवा रहा है। अगर तू अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की कंपैटिबिलिटी देखे तो सिर्फ 15% कंपैटिबिलिटी है, शादी तो उनकी भी चल रही है। सही है सर जी। कमलेश भाई, कंपैटिबिलिटी तो 75% आ रही है। बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, 75% आ रही है कंपैटिबिलिटी तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और मेरी वाइफ का ना पहले रजनी था, 1 पे आता था, अब वो रशिका रख दिया, वो 6 पे आता है शादी के बाद। पहले 1 पे था, गलत है, तो उसकी तेरी वाइफ 3 वाली है, बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको पूरा सरनेम के साथ जोड़ के करो। अच्छा, पहले वाला नाम कर सकते हैं, पहले डॉक्यूमेंट में तो पहले वाला ही है। मुझे नहीं पता, तेरे को देखना है 1-5 पे कहां लेके जाना है, वो तूने देखना है मेरे भाई। 1 या 5 पे लेके जाए मतलब। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू जी। कमलेश भाई, सर मैं ये आईफोन बाइक से बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप मान, जैसे आपने बताया मान लिया, अभी जैसे आप सबने सीखा ही है, हमने भी सीखा कि 248 के लिए कितनी स्ट्रगल्स होती है। और मैं आपको बताऊं सबको कि मेरा ड्राइवर कंडक्टर दोनों 4 है। ओके, और जब मैंने सर से ये विद्या सीखी तब समझ में आया किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, नेम करेक्शन किया अपना, क्योंकि मेरा खुद का नेम करेक्ट, मेरा नेम नंबर 42 पे आ रहा था, जो वर्स्ट था मेरे लिए। बिल्कुल, सर से मैंने सीखा और वो नेम नंबर मैं 51 पे ले गया, क्या कलर अवॉइड करने हैं, क्या नहीं करने हैं, 6 नंबर की रेमेडीज की। तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर 4 होने के बावजूद भी आज मुझे 2 साल हो गए सर से ये विद्या सीखते हैं, मैंने अपने लाइफ को बहुत अपलिफ्टमेंट किया है, बहुत ट्रांसफॉर्म किया है। वेरी ट्रू डियर। तो ये आईफोन मतलब इनसे भाई से बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं आप मान लो, आप उसको जो रेमेडी से जुड़ोगे, आप कलर थेरेपी से जुड़ोगे, और जैसे आपका नेम करेक्शन आप मोबाइल नंबर से जुड़ोगे, आपके लकी कलर्स लकी नंबर से, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट आ जाएगी। जस्ट मैं वही एक बात शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू कमलेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू कमलेश जी। सर मुझे एक चीज बोलनी है, ये वैदिक न्यूमरोलॉजी का आ रहा है ना सर, ये क्या हमारे ये न्यूमरोलॉजी से हटके है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हटके है, उसमें स्पाइरल ग्रिड होता है, हमारे के अंदर चलेडियन सिस्टम है और साथ में लोशो ग्रिड है, वो टोटली हटके विद्या है। जी ना, आप सीखना चाहो तो आपकी चॉइस है मैडम, पर पहले प्रैक्टिस करो, कोर्सेज तो पहले महीने आएंगे। वही मैं सोच रही हूँ, पहले इसको जितना सीखा है उसको मैं प्रैक्टिस करूँ, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाए। शायद प्रीति मैडम ने भी कोई दूसरी विद्या नहीं सीखी, और उन्होंने डाउजर सीखा, या उन्होंने उस तरह से अलग विद्याओं को सीखा, क्योंकि डाउजर एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत आशीर्वाद दे सकती है।
बट सर ये सबसे ऊपर है आपकी क्लास। बिल्कुल मैं मानती हूँ सर, जब बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी से पहचान हो तो केजरीवाल के पास क्यों जाना नहीं, पहले क्योंकि न्यूमरोलॉजी और वो भी आपसे जो मैंने सीखा ना सर, वो उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की भी बुद्धि दौड़ाई, प्रैक्टिस की और फिर मुझे जो विद्या का जहाँ जितना यूज करना है उतना ही मैं करूंगी। जैसे तीन नंबर वाला है तो मैं उसको छह की वैदिक रेमेडी नहीं करवाऊंगी, चाहे उसको जो भी हो पैसा चाहिए उसको मैं तीन से ही ब्लेसिंग लाऊंगी उसके पास। तो ये जो आप सिखाते हो ना सर, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि क्लास में आओ तो पता चलेगा। 99% लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर को देखो। अरविंद सर से मैं सीख के आया, मैंने 12 साल में समझा कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को देखो बिल्कुल। क्योंकि लोग आपको यही भटकाएंगे कि भैया सिर्फ ड्राइवर को देखना, नहीं, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, आप वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटी बनना चाहते हो तो ड्राइवर कंडक्टर दोनों को देखो, दोनों को देखो, दोनों को बैलेंस करो और दोनों को सपोर्ट दो। इसीलिए मैं बोलती हूँ सर के पहले आपसे न्यूमरोलॉजी सीखो। और एक बात आपको बता दूं कि सर से ये जो न्यूमरोलॉजी आप सीखोगे उसके बाद सब कुछ खुद ही होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने लिए जो रेमेडीज कर लोगे तो चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी आपसे। मैंने सर कभी कुछ प्लानिंग नहीं किया आपसे मिलने के बाद, ना मेरे पर्सनल बिजनेस में, वो भी आज करोड़ों में हो गया, स्टाफ भी अच्छा आने लगा, मतलब बुरे लोग हमसे कटते जाते हैं, अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं सर। यस। तो ये चीज है कि एक बार बस आंख बंद करके सर का ये जो संबंध है ना उसमें डुबकी मारो, फिर देखो अंदर कितना खजाना है। थैंक यू प्रीति मैम जी। मिहिर भाई अनम्यूट कर लो, आप अनम्यूट कर लो डियर। मैं सर, मेरी जयश्री मैम को बोलना है कि मैम अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एक बार चेक करें, मे बी वहां पे कुछ उन्होंने हैवी रखा हुआ है। ओके। मेरा सर? हाँ जी मैम, आपको बोल रहा हूँ, आप अपने घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एक बार चेक करें, वहां पे मंदिर है सर, वहां तो नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर है मेरा। और नॉर्थ में? नॉर्थ तो मेरा बालकनी है, एंट्रेंस स्टोर है सर। स्टोर है मैम वहां पे? एंट्रेंस है, एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस डोर। के पास कुछ हैवी रखा हुआ आपने? नहीं सर, खाली रूम है, सोफा है बस और मंदिर है बस। चार नंबर भी पांच जिनको गॉड गिफ्टेड मिल गया था मिहिर भाई। हाँ मिहिर जी, हाँ लेकिन नॉर्थ वेस्ट रूम में मेरे बेटे का स्टूडियो है, मतलब वहाँ बड़े बड़े टेबल्स हैं, उसके सारे स्टूडियो के इक्विपमेंट्स हैं, तो वो है वहाँ नॉर्थ वेस्ट रूम। चेक कर लेना मैडम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को, फिर दोबारा जब मौका लगे कल सुबह आज रात को चेक। हाँ, जी सर जी, मिहिर जी मैं चेक करूंगी। थैंक यू मिहिर जी, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद कमलेश भाई का, मिहिर भाई का, प्रीति मैम का, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस कोर्स को करने के लिए, इस विद्या को सीखने के लिए। हमारी फैमिली में आपका स्वागत है, कभी भी हम ग्रुप को डिलीट नहीं करते हैं, सदा हम जुड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ। थैंक यू जी, जय गुरु जी, हमेशा बने रहे, जय गुरु जी, थैंक यू राजे राजे सर, थैंक यू सो मच सर, जय गुरु जी, ऑलवेज वेलकम, वेलकम वेलकम, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी, राधे राधे, थैंक यू, थैंक यू, राधे राधे, जय गुरु जी, थैंक यू, जय गुरु जी, जय गुरु जी, राधे राधे, थैंक यू सर, थैंक यू।